बुलेट तेज रफ्तार में चल रही थी। अंतरा अब दानिश के सीने से लगी नींद में धीरे धीरे जा रही थी, पर वो जगने की पूरी कोशिश कर रही थी क्योंकि वो अभी बुलेट पर थी और वो बिल्कुल सो नहीं सकती थी। पर अंतरा दानिश की गर्म बाहों में रहते हुए खुद को सोने से रोक नहीं पा रही थी, इसीलिए वो धीरे धीरे दानिश की बाहों में सो गई। वहीं दानिश ने अंतरा को खुद के और करीब कर लिया, हालांकि उसका एक हाथ बार बार अंतरा को संभाल रहा था। देखते ही देखते घंटों बीत गए और फिर कुछ ही देर में दानिश की बुलेट लेह टाउन के एक होटल के बाहर आकर रुकी। बुलेट रुकने के बाद भी अंतरा ने दानिश से दूर हटने की कोशिश नहीं की और ऐसे ही सोती रही। दानिश ने बुलेट को बंद किया और अंतरा के सर को सहलाया। अंतरा की आंखें बंद थी। दानिश ने उसे एक नजर सोया हुआ देखकर उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर होटल के अंदर गया। वो होटल कॉलेज की तरफ से बुक किया गया था, जहां सभी स्टूडेंट्स रुकते। अब तक कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स होटल पहुंच चुके थे। सबके रूम्स अलग अलग थे, पर वहीं दानिश ने सिर्फ एक ही रूम की चाबी को लिया और अंतरा को गोद में ही लेकर ऊपर रूम में चला गया। वो एक स्थानीय होटल था, वहां ज्यादा लग्जूरियस चीजों के बजाय नॉर्मल चीजें थी। दानिश जब अंतरा को रूम में ले आया तो उसने अपना सर झुकाकर अंतरा को देखा। अंतरा उसके सीने से लगी अभी भी सो रही थी। दानिश के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था। उसने अंतरा को बेड पर सुला दिया। वहां का माहौल ठंडा था, जिस वजह से उसने ब्लोअर ऑन किया और अंतरा को ब्लैंकेट से कवर कर दिया, जिसके बाद उसने एक नजर अंतरा को देखा और सीधे वॉशरूम में चला गया और अंतरा अब आराम से सोने लगी। वहीं दूसरी तरफ इसी होटल में ध्रुव भी ठहरा हुआ था। दरअसल ये पूरा होटल सिर्फ कहने के लिए कॉलेज की तरफ से बुक था, जबकि रियलिटी ये थी कि दानिश ने ही पूरा होटल बुक किया था, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स की टीम पूरे हफ्ते कैंप में रहने का प्लान कर रही थी, पर दानिश के ऑर्डर पर सभी को यहाँ आना पड़ा और यहीं से सभी कैंप के लिए जाने वाले थे। उसी होटल के एक एक्स्ट्रा रूम में ध्रुवी भी ठहरी हुई थी, क्योंकि उस एरिया में यही अकेला एक होटल था और ध्रुवी के ज्यादा इंसिस्ट करने पर उसे यहाँ रूम मिल गया था, क्योंकि होटल ऑलरेडी बुक्ड था। किस्मत से ध्रुव और ध्रुवी का रूम आमने सामने ही था और ध्रुवी ने जस्ट अभी ही होटल में चेक इन किया था। वो अपने लगेज को उठाकर सेकंड फ्लोर पर गई। वो अपने रूम की तरफ जा रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, जो बार बार उसके चेहरे के पास आ रहे थे, और वो एक हाथ से अपने बाल और दूसरे हाथ से लगेज संभालते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी वो सामने से आ रहे एक इंसान से बुरी तरह टकरा गई और अपने लगेज सहित ही वो जमीन पर गिर पड़ी। वो इंसान भी खुद को बचाने में कामयाब नहीं हो पाता और सीधे जाकर ध्रुवी के ऊपर गिरा। ध्रुवी ने डर से अपनी आंखें कस कर बंद कर ली। वहीं वो आदमी जो ध्रुवी के ऊपर गिरा था, उसने अपने आप को ठीक से संभालते हुए जब अपने नीचे गिरी लड़की को देखा तो कुछ पल वो वहीं थम गया और उस लड़की को गौर से देखता रह गया। ध्रुवी की बड़ी बड़ी पलकें डर से फड़फड़ा रही थी, उसके होंठ कांप रहे थे। ध्रुव एकटक ध्रुवी को घूर रहा था। वहीं ध्रुवी को जब किसी की घूरती नजरें और भारीपन खुद के ऊपर महसूस हुआ, तब जाकर वो अपनी आंखें जल्दी से पूरी तरह खोलकर सामने वाले इंसान को घूरने लगी, जिससे ध्रुवी के चेहरे पर गुस्सा आ गया और वो अपने हाथों से उस इंसान को खुद से दूर करते हुए बोली, यू चीप इंसान, हटो मेरे ऊपर से, वहशी कहीं के दरिंदे। ध्रुव उस लड़की की बात सुनकर उसे घूरते हुए उसके ऊपर से उठ गया और उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाकर उसे उठाते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, माइंड योर टंग, किस एंगल से मैं तुम्हें चीप, वहशी और दरिंदा लग रहा हूँ? उसकी बात सुनकर ध्रुवी गुस्से से अपनी कमर को सहलाते हुए भड़क कर बोली, ये मत पूछो कि किस एंगल से, क्योंकि तुम्हारे हर एक एंगल से मुझे चीप वाली वाइब आ रही है। जहाँ मौका मिला नहीं, वहीं चले आए मुझ जैसी सुंदर लड़कियों का फायदा उठाने। अब हटो मेरे रास्ते से, वरना तुम पिट जाओगे जाहिल कहीं के। ध्रुव अपने दोनों हाथ बांधकर अपने सामने खड़ी लड़की की बातें बेहद खुन्नस में सुन रहा था। वहीं उसके बाद ध्रुवी ने अपना लगेज उठाया और सामने वाले रूम में जाने लगी तो ध्रुव ने उसे टोकते हुए कहा, वेट अ मिनट मिस नॉनस्टॉप। उसकी बात सुनकर ध्रुवी का मुंह बन गया और वो गुस्से से पीछे मुड़कर देखने लगी तो उसके सामने एक कार्ड था। ध्रुवी अपनी कमर को पकड़कर उस कार्ड की तरफ देखकर चिढ़कर बोली, अब ये क्या है?
ये सुनकर ध्रुव ने टेढ़ी स्माइल करते हुए कहा, दिखने में प्रोफेशनल और पढ़ी लिखी लगती हो, और इतना भी नहीं पता कि ये क्या है। लगता है सिर्फ दिखने में प्रोफेशनल हो, बाकी अक्ल से पैदल हो। ध्रुवी मुंह खोले गुस्से से उसकी बात सुन रही थी। वहीं ध्रुव आगे बोला, इसे ले लो और जाकर मेरे पैसों से अपनी नाजुक सी कमर के लिए ऑइंटमेंट ले लेना, क्योंकि गलती तुम्हारी ही थी। पर सॉरी मैं खुद बोल देता हूँ, क्योंकि ध्रुव ओबेरॉय जल्दी किसी को मुंह नहीं लगाता। ध्रुव उस कार्ड को उसके हाथ में रख कर उसी के सामने वाले रूम में चला गया, और वहीं ध्रुवी हैरान रह गई और वो हकलाते हुए बोली, ध्रुव ओबेरॉय, मतलब ओबेरॉय ग्रुप का सीईओ, जिसके साथ मुझे मीटिंग करनी है। ये कहते हुए ही ध्रुवी का चेहरा उतर गया और वो गुस्से से उस लगेज पर पैर मारते हुए बोली, शिट, ये क्या कर दिया मैंने। अब मैं भाई को क्या जवाब दूंगी, अगर इस ध्रुव ओबेरॉय ने वो मीटिंग ही कैंसिल कर दी तो। ध्रुवी ने अपना सर खुजलाकर एक नजर ध्रुव के रूम के बंद गेट को देखा और फिर मन में खुद को कोसते हुए बोली, काश मैंने पहले ध्रुव ओबेरॉय की प्रोफाइल पिक्चर देख ली होती तो आज ऐसे उनकी इंसल्ट नहीं करती। अब पता नहीं वो इस डील को साइन भी करेंगे या नहीं। ओ गॉड, प्लीज बचा लो। ध्रुवी यही सब बोलते बोलते अपने रूम में आई और सीधे जाकर बेड पर लेट गई। वो अपने हाथ में पकड़े ध्रुव के कार्ड को देखने लगी। उसके बाद उसे ध्रुव का चेहरा याद आने लगा। वो इंसान सच में काफी चार्मिंग और हैंडसम था। ध्रुवी के मन में जैसे ही ये ख्याल आया, उसने जल्दी से कहा, पागल हो गई है तू, ये क्या सोची जा रही है। हे भगवान, आप ही अब मेरी हेल्प करना। दूसरी तरफ कॉलेज बस भी अब तक पहुँच चुकी थी। बस से शिवम अभिषेक के साथ बाहर आया। अभिषेक का चेहरा अभी भी उखड़ा हुआ था, वहीं शिवम के चेहरे पर स्माइल थी। अभिषेक सीधे अपने रूम में चला गया तो वहीं शिवम की नजर जब श्रेया और करण पर गई, जो साथ में ही होटल के अंदर जा रहे थे, शिवम ने भी अपना रूम की लिया और उन्हीं के पीछे जाने लगा। वहीं करण ने श्रेया को उसके रूम के बाहर छोड़ दिया और बाय बोलकर अपने रूम में चला गया। इधर श्रेया जब अपने रूम की तरफ जा रही थी, तभी किसी ने कस कर उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने रूम के अंदर ले आया। श्रेया हैरानी से उस इंसान की तरफ देखने लगी तो उस इंसान ने रूम का डोर अंदर से लॉक करके श्रेया को डोर से सटा दिया। श्रेया गुस्से से उस इंसान से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए मुझे शिवम सर, ये क्या कर रहे हैं आप। वो इंसान जो शिवम था, वो गुस्से से श्रेया को देखते हुए बोला, क्या बात है, शिवम से सीधा शिवम सर, इतनी इज्जत कब से देने लगी तुम मुझे। श्रेया ने अपना हाथ छुड़ाते हुए उसी टोन में जवाब दिया, क्योंकि आप मुझसे सीनियर हैं, और अगर कहीं आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको मेरे साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मुझे जाने दीजिए। शिवम उसके मुंह से गर्लफ्रेंड वाली बात सुनकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला, तुम्हें गलतफहमी हुई थी उस दिन, मोनिका बस मेरे पास किसी काम से आई थी और तुमने पता नहीं क्या देख लिया, और तब से बिना कुछ कहे मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए और मुझे ऐसे इग्नोर कर रही हो जैसे कि मैं तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। श्रेया की आंखों में एक साल पुरानी तस्वीरें आ गईं। जब उसने मोनिका, जो कि शिवम के पीछे पड़ी थी, उसके साथ उसने शिवम को देखा था, वो मानती थी कि उसमें शिवम की गलती नहीं थी, उसे ही गलत फहमी हुई थी, पर फिर भी वो अभी उन सब चीजों से उभर नहीं पा रही थी, जिस वजह से वो शिवम से दूर रहना चाहती थी। और उसने शिवम को खुद से दूर करते हुए कहा, मुझे सच्चाई पता है कि मोनिका ने ही वो फोटो फोटोशॉप करके मेरे पास भेजी थी, पर तब भी मैं इतनी जल्दी इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहती, इसलिए छोड़िए मुझे। उसकी बात सुनकर शिवम ने उसे घूरते हुए कहा, जब तुम्हें सच्चाई पता है तब क्यों तुम मुझसे भाग रही हो, मुझे प्यार करना है तुमसे, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, मैं नहीं देख सकता तुम्हें खुद से दूर। उसकी बात सुनकर श्रेया उसकी आंखों में देखने लगी। शिवम की आंखों में बेपनाह प्यार था उसके लिए, जिसे वो आसानी से देख सकती थी। दरअसल श्रेया और शिवम नेबर थे, जिस वजह से उन दोनों ने काफी पहले से डेट करना शुरू किया था, पर कुछ गलतफहमी की वजह से वो दोनों अलग हो गए थे। पर शिवम से करण और श्रेया की नजदीकियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी,
शिवम ने अपनी और श्रेया से रिलेटेड बातें किसी को नहीं बताई थी, इसीलिए करण को भी उन दोनों के बारे में कभी भनक तक नहीं लगी थी। वहीं शिवम ने श्रेया को कुछ ना बोलता देखकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। श्रेया ने कुछ नहीं कहा और शिवम उसे बेड पर ले जाकर उसके ऊपर आ गया। श्रेया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मत करिए ये सब, मुझे नहीं करनी आपसे बात। हालांकि श्रेया की आंखों में भी शिवम के लिए प्यार था जिसे शिवम देख पा रहा था। शिवम उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए उसे शांत कराकर बोला, हम कोई पहली बार तो इतने करीब नहीं आए हैं, और मैंने कहा ना कि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, तो तुम प्लीज मुझसे अब दूर मत रहो। ये बोलकर शिवम ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। श्रेया कुछ देर तक उसे खुद से दूर करती रही, पर वो भी इतने महीनों से शिवम से दूर रहने की वजह से खुद को और रोक नहीं पाई और वो भी उस किस में उसका साथ देने लगी। कुछ ही समय में उन दोनों के कपड़े फ्लोर पर एक एक करके गिर गए और वो दोनों एक दूसरे में खो गए। दूसरी तरफ दानिश का रूम। दानिश काउच पर बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसके चेहरे पर सीरियसनेस थी। तभी उसके रूम का गेट नॉक हुआ। दानिश ने सर्द नजरों से अंतरा को देखा जो अभी तक चैन से सो रही थी। उसके बाद वो अपना लैपटॉप टेबल पर रखकर डोर की तरफ बढ़ गया। गेट पर रूम सर्विस के लिए एक सर्वेंट खड़ा था जो अपने हाथों में खाने की प्लेट्स पकड़े हुए था। दानिश ने उसके हाथ से प्लेट्स लेकर रूम का गेट लॉक कर दिया और उसे लेकर सीधे बेड पर गया। उन खाने की प्लेट्स को उसने साइड टेबल पर रखा और अंतरा के सर को सहलाते हुए लो वॉइस में बोला, गेट अप सिली गर्ल। अंतरा कसमसाते हुए फिर से करवट लेने ही वाली थी कि दानिश ने उसकी कमर पकड़कर उसे नींद में ही उठाकर बेड पर बैठा दिया। वहीं अंतरा अपनी आंखें बंद किए अपने आसपास चादर ढूंढने लगी क्योंकि वो उठकर बैठी हुई थी। दानिश ने उसे घूरते हुए अपने करीब खींच लिया तो अंतरा ने उसकी कॉलर को पकड़कर उसके सीने पर अपना सर रख लिया और दानिश को पकड़कर सोने लगी। क्या करेगा अब अभिषेक? क्या दानिश करेगा उसकी चाल पर पलटवार? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दानिश ने अपना सर नीचे करके अंतरा के छोटे छोटे हाथों को घूरा जो इस वक्त उसकी कॉलर को पकड़े हुए थे, और उसने फिर उसकी बंद आंखों को घूरा। कुछ पल यूं ही घूरते रहने के बाद दानिश ने गहरी सांस ली और पास पड़े खाने की प्लेट में से एक पीस उठाकर अंतरा के मुंह के पास ले गया। अंतरा को नींद में ही खाने की बहुत अच्छी खुशबू आई और उसने ऐसे ही उसके सीने पर अपना सर रखे और आंखें बंद किए ही अपने मुंह को खोल दिया। दानिश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई अंतरा की इस हरकत पर, और उसने उस पीस को उसके छोटे से मुंह में डाल दिया। अंतरा ऐसे ही आंखें बंद किए खाने लगी, और जब उसके मुंह का खाना खत्म होता तब वो फिर से अपना मुंह खोल देती। दानिश उसे ऐसे ही नींद में खाना खिलाता रहा और अंतरा ने ऐसे ही सारा खाना खत्म भी कर लिया। दानिश ने फिर अंतरा के मुंह को साफ किया और फिर वापस से उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। दानिश ने अंतरा के बालों को सहलाते हुए उसे अपनी काली गहरी आंखों से देखकर कहा, तुम अब भी वैसी ही हो लिटिल गर्ल जैसे बचपन में थी। दानिश फिर वापस से अपने लैपटॉप में बिजी हो गया। वहीं अंतरा फिर से सो गई। अभी शाम भी नहीं हुई थी और रात को सभी कैंपिंग के लिए त्सो मोरीरी लेक के पास जाने वाले थे, इसलिए अभी सभी आराम कर रहे थे। इसी तरह देखते ही देखते शाम का वक्त भी हो गया। सारे स्टूडेंट्स होटल के हॉल में जमा हुए थे। टीचर उन्हें कैंपिंग के बारे में कुछ बता रहे थे। तभी दानिश अंतरा का हाथ पकड़े नीचे आया। दानिश भावहीन था। वहीं अंतरा ने सिल्वर कलर की जीन्स और ग्रे कलर का ट्यूब टॉप पहना था जिस पर उसने फुल लेंथ लेदर कोट डाला हुआ था। पैरों में शूज थे तो वहीं दानिश डार्क ब्लू कलर के आउटफिट में था। अंतरा का चेहरा काफी फ्रेश लग रहा था क्योंकि उसने काफी अच्छी नींद ली थी। वहीं श्रेया का चेहरा एकदम थका हुआ था। उसके अंदर जैसे एनर्जी ही ना हो। वो शिवम को ही गुस्से में घूर रही थी और शिवम उसे देखकर डिसेंट स्माइल कर रहा था। अंतरा नीचे आई और श्रेया के पास चली गई और दानिश वहां एरोगेंट तरीके से खड़ा उन सभी को घूरने लगा। तभी उसकी नजर अभिषेक के ऊपर गई
जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वहीं अभिषेक की आंखें सिर्फ अंतरा पर थी, जिसे देखकर ही दानिश की मुट्ठियां एकदम से कस गईं। आसपास का माहौल जैसे ठंडा पड़ गया हो और वो बिना किसी की परवाह किए अभिषेक की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। पर तभी शिवम और करण उसके पास आकर उसे रोकते हुए बोले, अब तुम कहां जा रहे हो? दानिश सर्द आवाज में बोला, किसी को इसी वक्त जान से मारने। करण और शिवम समझ गए और दानिश को रोकते हुए शिवम बोला, भाई यहाँ ऐसा कुछ मत करो, हम उसे समझा देंगे। तुम और अंतरा साथ में बस एंजॉय करो, यहाँ अभिषेक को हम दोनों संभाल लेंगे। उन दोनों की बात सुनकर दानिश ने उन्हें घूर कर सर्द लहजे में देखा और फिर भी अभिषेक की तरफ जाने लगा। पर तभी टीचर की आवाज सभी के कानों में पड़ी, सो लेट्स गो स्टूडेंट्स एंड वन मोर थिंग, सभी यहाँ से सो मोरिटी लेक के लिए चाहे तो बस से चलें या फिर अपनी अपनी बुलेट से भी जा सकते हैं। टीचर की बात सुनकर कुछ ने बस से जाने का फैसला किया तो कुछ वादियों का मजा उठाने के लिए बुलेट से चले गए। अभिषेक अंतरा को एक नजर देखकर बस में चला गया और वहीं अंतरा को अब बुलेट से नहीं जाना था, जिस वजह से वो दानिश के पास गई और उससे धीमी आवाज में बोली, दानिश क्या मैं अब बस से श्रेया के साथ जा सकती हूँ? दानिश सख्त आवाज में बोला, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ जाओगी, समझी? ये सुनकर अंतरा का मुंह बन गया और वो अपने पैर पटकते हुए खुन्नस में दानिश को घूरने लगी। वहीं दानिश को उसके घूरने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और वो उसका हाथ पकड़कर सीधे होटल से बाहर निकल गया। अंतरा उसके साथ जाते हुए पीछे मुड़कर श्रेया को देखते हुए जल्दी में बोली, श्रेया तुम या तो बस से आ जाओ या बुलेट से भी आ सकती हो, क्योंकि मैं दानिश के साथ जा रही हूँ। वहीं अंतरा को ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसे ये कहना पड़ रहा था क्योंकि वो दानिश को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, वरना उसके घूमने का प्लान भी कैंसिल हो सकता था। उधर श्रेया अंतरा की बात सुनकर बस हाँ में सर हिला देती है और वहीं दानिश अंतरा को अपने साथ ले गया। उसके बाद श्रेया जब बस में चढ़ने वाली हुई तभी करण उसके पास आते हुए बोला, क्या हम दोनों फिर से बुलेट से चले? उसकी बात का श्रेया को जवाब देती कि उससे पहले शिवम आते हुए करण के कंधे पर हाथ रखकर बोला, शायद तुझे दानिश ने कुछ कहा था करने को। उसकी बात सुनकर करण कंफ्यूजन में उसे घूरने लगा तो शिवम ने श्रेया से कहा, और तुम बस से जाओ, हमें कुछ काम है। ये बोलकर वो करण को जबरदस्ती वहां से ले गया। उधर श्रेया को सब समझ आ रहा था कि शिवम झूठ बोलकर करण को वहां से ले गया और ये सब देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो अपना सर हिलाते हुए फिर बस में चढ़ गई। वहीं अभिषेक अपने फोन में अपने भाई अनुभव की फोटो देख रहा था जो अब इस दुनिया में नहीं था, और वो उसे देखते हुए मन ही मन गुस्से में बोला, भाई मैं आपकी मौत का बदला लेकर ही रहूंगा उस दानिश ओबेरॉय से, और वो भी इसी ट्रिप पर। वो भी मरेगा और उसके साथ उसकी वो माशूका भी। ये बोलकर वो अंतरा के बारे में गंदे तरीके से सोचने लगा। उधर उन सब के जाने के बाद ध्रुवी होटल के हॉल में आई। उसने ब्लू जीन्स और व्हाइट टॉप पर फुल लेंथ कोट डाल रखा था। बालों को उसने क्लच किया हुआ था। वो नीचे आई और रिसेप्शनिस्ट से कुछ यहाँ के बारे में पूछने लगी। उसकी मीटिंग रात को थी क्योंकि कुछ और भी बिजनेस पार्टनर्स आने वाले थे, इसलिए ध्रुवी अभी बाहर थोड़ा घूमना चाहती थी, क्योंकि ध्रुव के बारे में सोच सोच कर ही उसका दिमाग खराब हो चुका था। ध्रुवी ने बात की तो उनके पास एक बुलेट खाली थी और ध्रुवी को बुलेट चलानी आती थी, जिस वजह से वो खुशी खुशी बुलेट की चाबी को लेकर होटल से बाहर निकल गई। वहीं ध्रुव भी उसके जाने के बाद नीचे आया। उसका भी मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके भी दिमाग में बार बार ध्रुवी का चेहरा आ रहा था और वो अब बिल्कुल भी उससे मिलना नहीं चाहता था। उसके पास कार थी, जिस वजह से वो सीधे अपनी कार से वहां जाने लगा जहां अंतरा के कॉलेज के लोग कैंपिंग करने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ दानिश के बुलेट की स्पीड बहुत तेज थी और अंतरा को डर लग रहा था। उसने दानिश को कस कर पकड़ा था, पर फिर भी उसे रात के वक्त ऐसे खाली रोड पर डर लग रहा था। और जब अंतरा से और नहीं रहा गया तब उसने दानिश से जोर से कहा, प्लीज इसे रोकिए दानिश। ये सुनकर दानिश ने अपना सर घुमाकर पीछे उसे देखते हुए अपनी एक आईब्रो ऊपर करके पूछा,
What happened to you, silly girl? ये कहते हुए दानिश ने बुलेट रोक दी, जिसके साथ अंतरा फिर से बुलेट से नीचे उतर गई। वहीं दानिश उसे घूरने लगा तो अंतरा जल्दी से दानिश को थोड़ा पीछे करके वापस से उसके आगे आकर बैठ गई और दानिश की कमर पर अपने दोनों पैर लपेट कर उसके सीने पर सर रखकर बोली, अब चलिए, क्योंकि मुझे वैसे ठंड और डर दोनों लग रहा था। दानिश बिना किसी रिएक्शन के अंतरा की ये सारी हरकतें देख रहा था और फिर उसकी ये बात सुनकर वो उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, ओह तो तुम डर रही थी। अंतरा धीमी आवाज में बोली, और ठंड भी लग रही थी। दानिश ने हल्की सी स्माइल की और वापस से अपनी बुलेट स्टार्ट करके वहां से निकल गया। अब तक हल्की हल्की रात हो चुकी थी और सभी उस झील के किनारे पहुंच चुके थे। इस साइड बस पार्क की गई थी और झील के किनारे सारे लोग अपना अपना कैंप का सामान सेट करने वाले थे। कुछ ही देर में दानिश अंतरा के साथ आया। दानिश ने बोरियत नजरों से वहां सभी को घूरा, जो इस वक्त काफी एक्साइटेड होकर अपना अपना टेंट लगा रहे थे। उसे ये सब बहुत इरिटेट कर रहा था, क्योंकि ये सब उसने अपने स्कूल डेज में सिर्फ एक ही बार किया था। तब से वो इन सब चीजों से दूर रहता था, पर आज फिर से उसे ये सब देखना पड़ रहा था, जिसकी वजह उसके साथ खड़ी थी, जो थी अंतरा। तभी वहां टीचर आए और सभी को अपना अपना अलग अलग कैंप लगाने को बोले। अंतरा को भी ये सब करना था, जिस वजह से उसने दानिश से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे भी ये करना है, प्लीज मेरा बहुत मन है, जाने दीजिए। उसकी बात सुनकर दानिश ने उसे घूर कर देखा और फिर उसके होठों को देखकर टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, मुझे भी अभी इसी वक्त तुम्हें किस करने का मन कर रहा है, तो क्या मैं कर लूं? दानिश की ऐसी बात सुनकर अंतरा का मुंह खुला का खुला रह गया और उसका चेहरा गुलाबी हो गया। उसने तुरंत दानिश से अपना मुंह फेर लिया और खुन्नस में बोली, आप मुझसे अपना ध्यान हटा सकते हैं। इस पर दानिश उसे गहरी नजरों से देखते हुए डीप वॉइस में बोला, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब तुम मेरे रूह में उतर चुकी हो, सिली गर्ल। ये बात सुनकर अंतरा हैरानी से दानिश को देखने लगी। वहीं दानिश भी उसे ही घूर रहा था। अंतरा को दानिश की बातें जरा भी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने फिर दानिश से कोई बहस नहीं की और चुपचाप कैंप लगते हुए देखने लगी। वहां दानिश के कुछ पर्सनल सिविल ड्रेस में गार्ड्स आए हुए थे, जो अंतरा का कैंप लगा रहे थे। उन दोनों का कैंप एक दूसरे के जस्ट साइड में था। रात के समय झील बहुत शांत और वहां का माहौल बेहद ठंडा और सुहाना था। सभी के टेंट काफी दूर दूर लगे थे। श्रेया का टेंट अंतरा से थोड़ी दूरी पर शिवम के टेंट के बगल में लगा हुआ था और वहीं अभिषेक का टेंट अंतरा के टेंट के जस्ट पीछे लगा हुआ था। इस समय अभिषेक दानिश और अंतरा को ही देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे जिससे दानिश को तकलीफ हो। तभी वहां पर एक कार आकर रुकी और उसमें से ध्रुव निकला। सभी उस ओर देखने लगे और अंतरा ने जैसे ही ध्रुव को देखा, वो बड़ी सी स्माइल के साथ चहकते हुए बोली, अरे आप आ गए। ये कहकर वो जैसे ही ध्रुव की तरफ जाने को हुई कि उसके कदम आगे ही नहीं बढ़े। उसने फिर अपनी नजर पीछे की तरफ की तो वहां दानिश पीछे से उसके कोट को पकड़े हुए कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे घूर रहा था। अंतरा ने दानिश की आंखों में गुस्से को देखकर अपने कदम वहीं रोक लिए और कसमसाते हुए वहीं खड़ी रही। तभी ध्रुव दानिश और अंतरा के पास आया और अंतरा से स्माइल करते हुए बोला, अंतु तुम्हें यहाँ मजा तो आ रहा है ना? दानिश अंतरा के कुछ भी कहने से पहले ही ध्रुव को जवाब देते हुए बोला, भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने उससे कहा, हाँ बोलो क्या कहना है दानिश। दानिश ने एक नजर अंतरा को घूरा और फिर कोल्ड आवाज में बोला, मुझे अकेले में आपसे बात करनी है। जिसके बाद उसने अंतरा की तरफ देखते हुए बॉसी टोन में कहा, तुम तब तक अपने कैंप में जाओ। उसके ऑर्डर को सुनकर अंतरा मन ही मन दानिश को हजार बार कोस चुकी थी और फिर वो वहां से पैर पटकते हुए चली गई। उधर ध्रुव दानिश से बात करने लगा, क्या ध्रुव जान पाएगा दानिश के इस बढ़ते पागलपन को? क्या अभिषेक चलेगा कोई नई चाल? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
इधर अंतरा जब अपने कैंप की ओर जा रही थी तभी उसे रास्ते में अभिषेक मिला जो शायद उसी की तरफ आ रहा था। अंतरा ने उसे देखकर नॉर्मल स्माइल की तो अभिषेक बोला, वैसे क्या मैं एक बात तुमसे पूछ सकता हूँ एज अ फ्रेंड? ये सुनकर अंतरा ने कैजुअली हाँ में सर हिलाया तो अभिषेक सीरियस आवाज में बोला, कहना नहीं चाहिए पर मैंने तुम्हारे बारे में सुना कि तुम ओबेरॉय खानदान में रहती हो। उसकी बात सुनकर अंतरा ने ना समझी में अपना सर हाँ में हिला दिया क्योंकि सच तो यही था, अब वो वहीं रहती थी। तो अभिषेक आगे बोला, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि दानिश सर तुम्हारे साथ रूड बिहेव करते हैं? उस दिन पार्टी में भी वो बहुत बुरी तरह तुम्हारे साथ पेश आए थे। उसके बाद मैं कल से लेकर आज तक देख रहा हूँ वो बहुत बुरा बिहेव कर रहे हैं तुम्हारे साथ। अभिषेक ये कहकर चुप हो गया और मन ही मन शैतान की तरह हंसने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर अंतरा कुछ पल सोच में पड़ गई क्योंकि ये भी सच था कि दानिश उसके साथ हमेशा जबरदस्ती ही करता था, उसे परेशान किया करता था। पर फिर अंतरा को दानिश की केयरिंग साइड याद आई जिसे याद करके वो कुछ सोच कर बोली, हाँ दानिश कभी कभी रूड बिहेव करते हैं पर वो मेरी केयर भी बहुत करते हैं। फिर चाहे मुझे रेहाना जैसी लड़कियों से बचाना हो या फिर और किसी तकलीफ से दूर रखना हो। ये बोलते वक्त अंतरा के चेहरे पर सितारों जैसी चमक थी जिसे वो खुद भी फील नहीं कर पा रही थी। वहीं अभिषेक ने उसके चेहरे को देखकर गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली और फिर खुद को शांत करते हुए बोला, देखो मैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि दानिश सर तुम्हारे साथ बदसलूकी करते हैं। बाकी तुम उनके साथ रहती हो, तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता होगा और तुम तो उन्हें बहुत करीब से जानती हो। उसने करीब शब्द पर जोर दिया जिसे सुनकर अंतरा को कुछ अच्छा नहीं लगा और वो उसे देखते हुए बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? अभिषेक उसके पूछने पर थोड़ा उसके पास आया और धीरे से उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला, देखो अंतरा तुम मेरी दोस्त हो इसलिए तुम्हें ये सब बताना मेरा फर्ज बनता है कि कॉलेज में तुम्हें और दानिश सर को लेकर कैसी उलूल जुलूल बातें हो रही हैं। हाँ कोई दानिश सर के डर से तुम्हें बुली नहीं करता और ना ही कोई तुम्हारे सामने कुछ कहता है, पर पीठ पीछे वो लोग बहुत गंदी बातें करते हैं जिसे मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। अभिषेक इस वक्त अंतरा को बुरी तरह दानिश के खिलाफ करने पर लगा हुआ था पर तभी वहां का माहौल एकदम से ठंडा पड़ गया। अंतरा को सिहरन होने लगी और उसने अपनी नजरें हल्के से अभिषेक के पीछे की और पीछे खड़े शैतान के रूप में दानिश को देखकर उसकी बॉडी हल्की कांप गई। दानिश की आंखें गुस्से से लाल थीं और इस वक्त वो सिर्फ अभिषेक के हाथों को देख रहा था जिसमें इस वक्त अंतरा के हाथ थे। दानिश इस वक्त किसी नर्क का शैतान लग रहा था और तभी दानिश ने अपने एक कदम को आगे बढ़ाते हुए बेहद मजबूती से अभिषेक के कॉलर को पकड़कर उसे अंतरा से दूर जमीन पर फेंक दिया। अंतरा ये देखकर डर से दो कदम पीछे हो गई तो वहीं अभिषेक जमीन पर खुद को संभालते हुए बेफिक्री से मुस्कुराते हुए दानिश को देखने लगा। वो यही तो चाहता था कि दानिश को कुछ तो फर्क पड़े और उसे इतना तो पता था कि दानिश ओबेरॉय को दुनिया में अब सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता था जो कि थी अंतरा। अभिषेक मन ही मन शैतान की तरह हंस रहा था पर बाहरी तौर पर अंतरा के सामने बेचारा बना हुआ था। उधर दानिश अपने शर्ट की स्लीव को फोल्ड करते हुए अभिषेक के करीब गया और उसके कॉलर को पकड़कर उसे उठाते हुए गुस्से से दांत पीस कर बोला, हाथ कैसे लगाया तूने उसे? ये बोलकर दानिश ने दोबारा से एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मार दिया और अब अभिषेक के मुंह से हल्की ब्लीडिंग होने लगी। वो दानिश से फाइट नहीं कर सकता था क्योंकि अंतरा सामने थी और उसे अभी बेचारा बनना था। वहीं अंतरा अपने कांपते शरीर से दानिश को देख रही थी जो अभिषेक को पंच पर पंच किए जा रहा था। अंतरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उधर दानिश बेहद गुस्से से अभिषेक के हाथ को मोड़ते हुए बोला, तूने छुआ कैसे उसे? वो लोग इस वक्त कैंप के पास थे और टीचर और बाकी स्टूडेंट्स बस के पास थे और वहीं कुछ लोग आग जलाने की तैयारी कर रहे थे जिस वजह से किसी का भी ध्यान उन पर नहीं गया और एक स्टूडेंट ने माहौल खुशनुमा बनाने के लिए छोटा सा साउंड भी लगा दिया था।
तो गाने की आवाज से सभी का ध्यान बंट चुका था। इधर की लड़ाई पर उनका ध्यान नहीं था, पर ध्रुव और शिवम जो वहीं थे वो ये सब अचानक से देखकर भागते हुए उस तरफ आए। उधर अंतरा ने जब ध्रुव को देखा तो वो रोते हुए ध्रुव से बोली, दानिश को देखिए, वो ऐसे क्यों मार रहे हैं? प्लीज उन्हें मना करिए, उन्हें रोकिए, इस तरह से तो वो उसे मार डालेंगे। ध्रुव अंतरा को शांत कराने लगा और दानिश को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहां चल क्या रहा था, पर फिर वो शिवम के साथ दानिश के करीब गया और दानिश से अभिषेक को छुड़ाते हुए ध्रुव बोला, शांत हो जाओ दानिश, मर जाएगा वो, छोड़ो उसे। दानिश गुस्से से सांस भरते हुए बोला, तुम मर जाने दो, I really don't care। ये कहकर दानिश ने एक और पंच अभिषेक के पेट में मारा। अभिषेक अपने चेहरे पर लाचारी और दर्द लाते हुए ध्रुव को देखने लगा। वहीं अभिषेक के उस हाथ से बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, जिस हाथ से उसने अंतरा के हाथ को पकड़ रखा था। उसके हाथ से खून पानी के जैसे बह रहा था। दानिश के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था, उसकी आंखें जल रही थी। वो अभिषेक के दर्द से भरे चेहरे को देखते हुए टेढ़ा मुस्कुरा कर बोला, उसके करीब तो मैं किसी रूह को ना जाने दूं, और तुमने तो उसके हाथ को पकड़ा, तो तुम मौत डिजर्व करते हो। पर परेशान मत हो, बहुत जल्द वो भी मैं तुम्हें अपने इन्हीं हाथों से दूंगा। ये बोलकर दानिश गुस्से से अंतरा की ओर अब बढ़ा। वहीं शिवम ने करण को कॉल किया और करण आकर बेहोश हो चुके अभिषेक को वहां से ले गया, जिसके बाद शिवम दानिश को अंतरा की तरफ जाते हुए देखकर गहरी सांस लेकर ध्रुव से बोला, दानिश का पागलपन अंतरा के लिए दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। उसकी बात सुनकर ध्रुव गहरी सांस लेकर बोला, सही कह रहे हो तुम, अगर तुम मुझे दानिश की कोई बात ना बताते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि दानिश अंतरा के पीछे पागल हो चुका है, और अब मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। उधर दानिश अंतरा के हाथ को कस कर पकड़ते हुए उसे सीधे अपने टेंट के अंदर ले गया और गुस्से से अंतरा को लाकर अंदर छोड़ दिया, जिससे अंतरा लड़खड़ा कर सीधे नीचे बिछे मैट्रेस पर जा गिरी और डरते हुए दानिश को देखने लगी। इस वक्त दानिश उसे किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था और वो गद्दे पर पीछे खिसकती जा रही थी। वहीं दानिश ने नी डाउन करके अंतरा के हाथ को पकड़कर अपने करीब खींचा और अपनी जलती निगाहों से उसे देखते हुए दांत पीस कर बोला, क्या बातें कर रही थी तुम उससे? अंतरा एकदम सहम गई और डरते हुए दानिश को देखने लगी। ये वही इंसान था जिसने अभी कुछ देर पहले अभिषेक को बुरी तरह मारा था। अंतरा का शरीर कांप रहा था। अंतरा ने कुछ जवाब नहीं दिया, जिससे दानिश का चेहरा और भी सर्द हो गया और वो अंतरा के चेहरे को पकड़ते हुए बोला, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, या तुम्हें मेरी बातें अब सुनाई नहीं दे रही? दानिश की सर्द आवाज से अंतरा ने थोड़ी हिम्मत करके धीरे से अपनी कांपती आवाज में कहा, वो मुझे बता रहा था। अंतरा से बोला ही नहीं जा रहा था और वहीं दानिश उसके चेहरे को और करीबी से देखते हुए तीखी आवाज में बोला, आगे बोलो, क्या बोल रहा था वो? अंतरा से अब और रुका नहीं गया और उसकी आंखों में जितने भी आंसू थे वो झर झर करके बाहर निकलने लगे और उसने तेज तेज रोते हुए दानिश से सारी बातें बता दी जो अभिषेक ने उससे कही थी। उसने दानिश से एक भी बात नहीं छुपाई। वहीं दानिश जैसे जैसे उसकी बातें सुन रहा था वैसे वैसे उसके दांत पिसते जा रहे थे और आंखों से आग बरसने लगी। वहीं अंतरा के चेहरे पर भी उसकी पकड़ कसती जा रही थी। एक पल ऐसा आया कि अंतरा से वो दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने दानिश को खुद से दूर धक्का दे दिया। दानिश अपनी लाल आंखों से उसके उस हाथ को देखने लगा जिसे अभिषेक ने पकड़ा था। दानिश खुद पर काबू करते हुए अंतरा के वापस करीब आया और उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, सिली गर्ल, तुम्हें ऐसे आंसू बहाने का कोई हक नहीं, क्योंकि ये दर्द तुमने खुद से ही अपनाया है। उसकी बातें सुनकर अंतरा सिसकते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो दानिश, मैंने आपसे ज्यादा बुरा इंसान कहीं नहीं देखा। ये कहकर अंतरा ने उससे मुंह फेर लिया। वहीं दानिश गुस्से से दांत पीस कर बोला, आई नो मैं बहुत बुरा हूं, सब यही कहते हैं और ये सच भी है,
और यही बुराई तुम्हें सारी जिंदगी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रहने वाली हो अब। इसलिए तुम भूल कर भी किसी के करीब मत जाना, वरना मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर दूंगा। इतना बोलकर दानिश गहरी सांस लेने लगा और खुद को कंट्रोल करने लगा, क्योंकि वो अपने गुस्से में अंतरा को चोट पहुंचा सकता था। दानिश ने वापस से अंतरा का चेहरा ऊपर करके उसकी आंखों में देखकर अपनी एक एक बात पर जोर देते हुए कहा, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तुम किसी भी लड़के से बात नहीं करोगी, खासकर उस अभिषेक से, क्योंकि अगली बार ऐसा कुछ भी हुआ फिर वो तो मरेगा ही, पर साथ में मैं तुम्हें भी तकलीफ दूंगा। डू यू गेट दैट? अंतरा अपनी भरी आंखों से दानिश को देख रही थी। उसे पता था कि दानिश जैसे इंसान से बहस करने का कोई मतलब नहीं था, जिस वजह से उसने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अपना सर झुका लिया। दानिश उसे जवाब न देता देख वापस से उसके सर को ऊपर करके दांत पीसते हुए बोला, Don't underestimate me, silly girl. I need answer, damn it. अंतरा सहम गई और तुरंत बोली, हाँ मैं समझ गई। वो बस इतना बोलकर चुप हो गई और वापस से उसकी आंखों में आंसू आने लगे। दानिश ने ये देखा तो फिर उसने अंतरा को अपनी बाहों में भर लिया और उसके साथ वहीं बिस्तर पर लेट गया। अंतरा को दानिश से अब बहुत डर लग रहा था, जिस वजह से उसने हिलने डुलने की भी हिम्मत नहीं की और चुपचाप उसके सीने से लगी रही। दानिश ने अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए और धीरे धीरे उसकी पीठ को सहलाने लगा। दानिश ने उसे कदल कर रखा था और अंतरा उसकी बाहों में सिमट गई। हालांकि दानिश से उसे डर भी लग रहा था, पर उसे उसकी बाहों में सुकून भी मिल रहा था। उसे दानिश का टच बिल्कुल भी गंदा नहीं लगता था। और इसी तरह दानिश की बाहों में रहते हुए वो गहरी नींद में चली गई। दानिश अभी भी उसके बालों में अपने हाथ फेर रहा था। दानिश को एहसास हुआ कि अंतरा सो चुकी थी, तब उसने झुककर उसे देखा जो उसकी शर्ट से लिपटकर सो रही थी। उसका चेहरा अभी भी लाल था। दानिश उसे देखते हुए बिना भाव के बोला, मुझे ये करना ही था। तुम्हारे अंदर मेरा डर होना जरूरी है, वरना वो तुम्हें इसी तरह मेरे खिलाफ करके तुम्हारा इस्तेमाल मुझे तकलीफ देने के लिए करेगा और तुम बेवकूफों के जैसे उसकी बातों में आ जाओगी, पर मैं उसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। ये कहकर दानिश ने अंतरा के माथे पर एक किस किया और अंतरा को ब्लैंकेट से कवर करके वहां से उठकर सीधे टेंट से बाहर निकल गया। क्या करेगा अब आगे दानिश अभिषेक के साथ? क्या अंतरा समझ पाएगी अभिषेक के इरादे? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दूसरी तरफ ध्रुव जब होटल पहुंचा तब तक उसके कुछ बिजनेस पार्टनर्स आ चुके थे। वो सीधे अपने रूम में गया और रेडी होकर नीचे आया। मीटिंग होटल के रूम में अरेंज की गई थी। ध्रुव सीधे वहीं गया और सभी से मिलकर डिस्कस करने लगा। वहीं ध्रुवी भी बिजनेस सूट पहनकर नीचे आई और अपनी फाइल्स लेकर सीधे मीटिंग रूम में गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो जब वहां पहुंची तब उसने अंदर आने की परमिशन मांगी और अंदर चली गई। उस वक्त ध्रुव किसी क्लाइंट से बात कर रहा था और जब उसने किसी की जानी पहचानी आवाज सुनी तब उसने गेट की तरफ देखा तो फिर से एक पल के लिए वो देखता रह गया। ध्रुवी स्माइल करते हुए अंदर आ रही थी और वो सभी को ग्रीट कर रही थी। वहीं जब उसकी नजर ध्रुव की नजरों से मिली तो वो थोड़ा नर्वस हो गई, पर उसने अपने आप को संभालते हुए ध्रुव की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस्टर ध्रुव। उसके बोलने से ध्रुव अपने सेंसेस में आया और वापस से उसे ध्यान से घूरते हुए अपना हाथ मिलाया और फाइल पढ़ते हुए उससे बोला, ओह तो आप हैं मिस ध्रुवी भारद्वाज, हमारी सेकंड शेयर होल्डर। उसकी बात सुनकर ध्रुवी अपनी चेयर पर बैठते हुए बोली, जी और इस प्रोजेक्ट पर हम साथ में काम करेंगे। तभी ध्रुव उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, पर अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ या नहीं। जिसे सुनकर ध्रुवी का मुंह बन गया और वो ध्रुव को मन ही मन गालियां देने लगी। वहीं ध्रुव ने फिर मीटिंग शुरू की। ध्रुवी का प्रेजेंटेशन काफी इम्प्रेसिव था जिसे सभी ने मंजूरी दी। ध्रुवी काफी खुश हो गई थी
और वहीं ध्रुव भी उसे ध्यान से देखते हुए सभी से बोला, जैसा कि जब सभी से एक्सेप्ट कर चुके हैं तब मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये प्रोजेक्ट मैं दिल्ली से कंटिन्यू करना चाहता हूँ। आई होप आप सबको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी बात सुनकर ध्रुवी जल्दी से मना करते हुए बोली, सॉरी पर मैं इसे अपने होम टाउन उज्जैन से कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो तभी वापस से ध्रुव ने उसकी बातों को काटते हुए कहा, यह आपकी प्रॉब्लम है, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। ध्रुव के चेहरे पर खतरनाक स्माइल थी जिसे देखकर ध्रुवी गुस्से से उसे देखने लगी और फिर सभी से एक्सक्यूज करके अपने भाई से इसके बारे में फोन पर बात करने चली गई। वहीं दूसरी तरफ दानिश ने किसी को फोन किया और कॉल पर सर्द आवाज में कुछ बोला, जिसके बाद उसने कॉल कट कर दिया और शैतानी मुस्कुराहट के साथ अभिषेक के टेंट की ओर चला गया। उस वक्त अभिषेक के हाथ में पट्टी बंधी थी और वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर भी ईविल स्माइल थी। उधर दानिश बिना किसी इमोशन के उसके टेंट के अंदर एंटर हुआ, जिसे देखकर अभिषेक अचानक से घबरा कर उठते हुए बैठ गया। दानिश उसके चेहरे पर डर देखकर ईविल स्माइल करते हुए बोला, ओ, तुम तो मुझसे डरने लगे, जबकि अभी तो मैंने ज्यादा कुछ किया ही नहीं। उसकी डरावनी बातें सुनकर अभिषेक अपने आप को संभालते हुए बोला, किस लिए आए हो तुम यहाँ? दानिश ने टेढ़ी स्माइल करते हुए उसे अपने फोन में एक वीडियो क्लिप दिखाया और बोला, तुम्हारी गलती की एक और सजा देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये बोलकर दानिश बिना भाव के उसे देखने लगा, तो वहीं अभिषेक उस वीडियो क्लिप को देखकर एकदम गुस्से में बोला, ये क्या घटिया हरकत है? तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? वो मेरी बहन है और तुम किसी की बहन की ऐसी? अभिषेक गुस्से से चुप हो गया। वहीं दानिश उसकी आंखों में आंखें डालकर दांत पीसते हुए बोला, जिस तरह तुम उसे मेरे खिलाफ भड़का सकते हो, बिल्कुल उसी तरह मैं तुम्हारी बहन का ये वीडियो 2 मिनट में वायरल करवा सकता हूँ। अभिषेक ये सुनकर गुस्से से बोला, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्या तुम्हारे अंदर जरा सी भी इंसानियत नहीं है? दानिश उसकी बात सुनकर बोरियत से बोला, मेरे अंदर कोई इंसानियत नहीं है, क्योंकि मैं इंसानियत सिर्फ अच्छे इंसानों पर दिखाता हूँ, तुम जैसे इंसान पर नहीं। उसकी बात सुनकर अभिषेक ने अभी खुद को कंट्रोल किया और जल्दी से बोला, देखो प्लीज तुम ऐसा कुछ मत करो, मेरी बहन सुसाइड कर लेगी इन सबसे। मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, पर प्लीज वो वीडियो कहीं मत डालना। दानिश उसकी बात सुनकर जीत भरी स्माइल करते हुए बोला, वाह, बहुत जल्दी अपनी औकात पर आ गए। वेल, तुम उससे दूर रहोगे और अगर तुमने उसे जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। उसकी बात सुनकर अभिषेक अपने गुस्से को दबाते हुए बोला, मुझे मंजूर है। दानिश उसे एक एरोगेंट लुक देकर वहां से बाहर निकल गया और वहीं अभिषेक अपने एक हाथ से गुस्से से सारा सामान इधर से उधर फेंकने लगा। दानिश ओबेरॉय हमेशा उससे 2 कदम आगे ही रहता था, ऐसा अभिषेक गुस्से से सोचने लगा। वहीं दानिश फिर सीधे अपने टेंट में गया और उसने देखा कि अंतरा खुद में ही सिमट कर सो रही थी। वो काफी मासूम लग रही थी। दानिश ने उसके पास जाकर उसे अपने सीने से लगा लिया और अपनी आंखें सुकून के साथ बंद कर ली। अंतरा अब दानिश के लिए उसकी सब कुछ बन चुकी थी, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। दानिश ने जब अपनी आंखें बंद की तो उसके सामने एक बार फिर वही बचपन का सीन आ गया, जब उसने अंतरा को वो बलून दिलाया था और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी कार तक ले आया था। छोटी सी अंतरा को सिर्फ अपने बलून से मतलब था और वो बहुत खुश भी थी। दानिश उसे देख रहा था और वो उससे आगे कुछ पूछने को ही हुआ था कि तभी एक औरत, जो कोई और नहीं सुनीता थी, वो आकर गुस्से से अंतरा का हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगी। दानिश ये देखकर सुनीता को घूरने लगा, जो अंतरा को वहां से गुस्से से ले जा रही थी। अंतरा का छोटा सा चेहरा मुरझा गया था और वो बार बार पीछे मुड़कर दानिश को ही देख रही थी और सुनीता उसे वहां से लेकर चली गई। वहीं उसके जाने के बाद दानिश ने कुछ सोचते हुए ड्राइवर से कहा, अंकल ये लड़की कौन थी, क्या आप इसके बारे में पता लगाएंगे? ड्राइवर ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। वो दानिश को नाराज नहीं कर सकता था
और फिर दानिश वापस से कार में बैठकर वहां से निकल गया। इधर दानिश लेट कर अपनी बंद आंखों में सुकून लिए यही सब सोच रहा था और उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ चुकी थी। अगली सुबह, सुबह के समय झील के आसपास का एनवायरनमेंट काफी सुहाना था और वहीं सभी के कैंप लगे हुए थे और इस समय सभी अपने अपने टेंट में ही थे। वहीं दानिश के टेंट के अंदर अंतरा की नींद धीरे धीरे खुल रही थी। उसने किसी की बाहों में कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली तो उसे किसी का गर्म हाथ अपने चेहरे पर रेंगते हुए महसूस हुआ। अंतरा एकदम से सिहर उठी और उसने धीरे से अपनी नजरें उस तरफ की तो अचानक ही उसकी हल्की सी चीख निकल गई और वो अपने आसपास देखते हुए जल्दी से बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या आप रात से ही यहाँ थे? अंतरा दानिश को घूर रही थी और फिर उसके दिमाग में कल रात का सारा सीन आने लगा जिससे अंतरा का मुंह बन गया। वहीं दानिश उसे बिना किसी इमोशन के देख रहा था और फिर वो अपने हाथ को उसकी गर्दन पर रख कर उसे सहलाते हुए अंतरा की आंखों में घूर कर बोला, तुम्हें नींद नहीं आ रही थी और फिर तुमने कहा कि तुम्हें मेरी बाहों में सोना है, इसलिए मुझे तुमको लेकर सोना पड़ा। ये सुनकर अंतरा अजीब नजरों से दानिश को घूरने लगी और मन ही मन सोचने लगी, मैं कहूंगी वो भी इनसे कि मुझे इनकी बाहों में सोना है? उफ, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं शैतान की बाहों में सोऊंगी? यही सब सोचते हुए अंतरा ने अपनी नजरें टेंट के चारों ओर घुमाई। कल रात उसे दानिश गुस्से में यहीं लेकर आया था। अंतरा अभी कुछ बहस नहीं करना चाहती थी जिस वजह से उसने कहा, मुझे अपने टेंट में जाना है। दानिश उसके माथे को चूमते हुए बोला, जाओ। अंतरा ये सुनकर पाउट बनाकर बोली, कैसे जाऊं? आप मुझे छोड़ेंगे तब ना? दानिश ने उसे अभी भी अपनी बाहों में भर रखा था। वहीं उसकी बात सुनकर दानिश उसे ध्यान से देखते हुए अपनी बाहों से आजाद कर दिया और अंतरा फिर उठकर जल्दी से अपने टेंट में चली गई। उसके जाने के बाद दानिश के चेहरे पर शैतानी स्माइल आ गई और फिर वो भी उठकर टेंट से बाहर निकल गया। वहीं अब तक टीचर उठ चुके थे और स्टूडेंट्स भी, और इस समय वो लोग वहां की स्थानीय चाय का मजा ले रहे थे। उधर करण एक लड़की से फ्लर्ट कर रहा था, तभी दानिश उसके पास आकर उसे घूरते हुए बोला, जो कहा था वो कर दिया? करण तुरंत उस लड़की को छोड़ते हुए दानिश से बोला, हाँ कर दिया है और वो अब शांत ही रहेगा। दानिश ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा और तभी शिवम अपने हाथ में 2 कप चाय लेकर आया और एक कप दानिश को दिया। दानिश ने बिना किसी इमोशन से उस चाय को ले लिया और फिर करण ने भी अपना हाथ आगे चाय के लिए बढ़ाया, पर शिवम ने उसे घूरते हुए कहा, जाकर खुद ले, ये दूसरी वाली चाय मेरे खुद के लिए है। उसकी बात सुनकर करण का मुंह बन गया और वो उसे घूरते हुए चाय के स्टॉल के पास चला गया। अंतरा भी फ्रेश होकर अपने टेंट से बाहर आई। उसने ब्लैक स्किन पैंट और रेड क्रॉपी शर्ट पर फुल कार्डिगन डाल रखा था और बालों को ऊंचा करके क्लच किया था। उसके चेहरे पर ग्लो था जिसे उसके पास खड़ी श्रेया देखकर उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है मैडम, बहुत ग्लो कर रही हो। अंतरा ये सुनकर तुरंत अपने चेहरे को छूते हुए नासमझी में बोली, नहीं तो मैं तो पहले जैसी ही हूँ। उसे समझ नहीं आया था कि वो दानिश से इतना परेशान भी रहती थी, पर दानिश के करीब आने से उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती थी। वो अपनी सोच में ही थी कि श्रेया उसे कंधे पे टैप करते हुए बोली, क्या हुआ, इतना मत सोचो, अच्छी दिख रही हो इन कपड़ों में तुम। उसकी बात सुनकर अंतरा अपने ख्यालों से बाहर आकर स्माइल करते हुए बोली, थैंक यू। उसकी बात सुनकर श्रेया स्माइल करने लगी और तभी उसके पास एक नौकर चाय और कुछ खाने का सामान लेकर आया। अंतरा कंफ्यूजन में उसे देखने लगी और तभी उस नौकर ने अपना सर झुकाते हुए कहा, वो सर ने भिजवाया है। ये कहकर वो उसे सामान देकर चला गया और अंतरा ने उस ओर देखा जिस ओर उस नौकर ने इशारा किया था, तो वहां दानिश था जो उसे ही इंटेंस तरीके से देखते हुए शिवम और करण के साथ खड़ा था। अंतरा का चेहरा हल्का लाल हो गया और उसने अपनी नजरें वहां से हटा ली और श्रेया के साथ उस ब्रेकफास्ट को एंजॉय करने लगी। हालांकि उसे आसपास अभिषेक कहीं नहीं दिख रहा था। अब दूसरी तरफ होटल में ध्रुवी किसी से फोन पर बात करते हुए बोली, भाई
कल आप बिजी थे इसलिए मैं ये बात आपसे बता नहीं पाई कि मुझे इस प्रोजेक्ट को दिल्ली से करना होगा। दूसरी तरफ से एक 24 साल का लड़का अपने कान में ब्लूटूथ लगाए अपनी वॉच पहनते हुए कुछ पल सोचकर बोला, तो तुम क्या चाहती हो? जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। ये बोलते वक्त उस लड़के के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इसमें कोई शक नहीं था कि वो लड़का काफी हैंडसम था, पर उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उधर से ध्रुवी अपने भाई की बात सुनकर बोली, भाई आप पक्का चाहते हो कि मैं जाऊं? उधर से आवाज आई, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, क्योंकि किट्टू के बाद मेरे पास सिर्फ तुम ही बची हो जिसे मैं खोना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें जैसा सही लगे वैसा करो। जिसे सुनकर ध्रुवी के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ओके भाई, तो मैं ये फाइनल कर देती हूँ सभी से कि मैं दिल्ली से ही इसे कंटिन्यू करूंगी। उसकी बात सुनकर उस लड़के ने कहा, ओके बाय, टेक केयर। ध्रुवी फिर कॉल कट करके मन ही मन ध्रुव को चिढ़ाते हुए बोली, मिस्टर ध्रुव, आपको क्या लगा आप मुझे ऐसे परेशान करोगे तो मैं आपसे हार मान जाऊंगी? नेवर। ध्रुवी भारद्वाज हारना जानती ही नहीं। ये सब सोचकर फिर ध्रुवी ने दिल्ली में खुद के रहने के लिए अपना इंतजाम करवाया और फिर ध्रुव से मिलने चली गई। कौन सा काम करवा रहा है दानिश? क्या ध्रुव और ध्रुवी होंगे इस तकरार से एक? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वहीं झील के किनारे टीचर की कही जा रही बातों को सभी गौर से सुन रहे थे, तो वहीं दानिश सिर्फ अंतरा को देख रहा था। अंतरा को दानिश की नजरें खुद पर फील हो रही थीं, जिससे वो परेशान भी हो रही थी, पर अभी वहां सभी थे जिस वजह से उसने अपने आप को कंट्रोल किया। वहीं टीचर सभी से वहां के एक छोटे पहाड़ पर ट्रैकिंग करने की बात कह रहे थे, जिसे सुनकर सभी काफी जोश में हूटिंग करने लगे। अंतरा भी खुश नजर आने लगी पहाड़ पर चढ़ने का सोचकर। वहीं अभिषेक टेंट में ही था, वो कहीं नहीं जा रहा था। टीचर ने सभी को हर एक चीज समझा दी और सभी अपने ट्रैकिंग का सामान लेकर एक एक करके जाने लगे। अंतरा भी अपने टेंट की ओर जाने लगी, पर तभी दानिश उसका हाथ पकड़कर सीधे उसे अपने टेंट में ले गया। अंतरा हैरानी से उसे देखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, मुझे श्रेया के साथ जाना है। दानिश उसकी बातों को इग्नोर करके उसे अपने टेंट में ले आया और उसे फिर खुद के करीब करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए मदहोशी से बोला, कब से देख रहा हूँ तुम्हारा ध्यान सबके ऊपर है सिवाय मेरे, ऐसा क्यों सिली गर्ल? ये कहकर दानिश अपनी पकड़ अंतरा की कमर पर कसते हुए उसके बालों को स्निफ करने लगा। वहीं ये सुनकर अंतरा सहर उठी और धीरे से खुद को छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। अंतरा को उसके लोहे जैसे हाथों से दर्द हो रहा था। वहीं दानिश अपनी पकड़ और कसते हुए बिना भाव के बोला, पहले जवाब दो सिली गर्ल। उसके उन शब्दों का मतलब समझते हुए अंतरा फिर धीरे से बोली, वो टीचर कुछ समझा रहे थे जिसे समझना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको नहीं देखा। तभी अंतरा की बात बीच में ही काटते हुए दानिश बोला, आगे से तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ मुझ पर होना चाहिए, क्योंकि मुझसे तुम्हारी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होती, गॉट इट? ये कहकर दानिश अंतरा के पिंक लिप्स पर किस करने लगा। वहीं कोई था जो उन दोनों की इस किस को अपने फोन के कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। टेंट की जिप आधी खुली हुई थी, जिस वजह से उन दोनों का चेहरा भी साफ साफ दिख रहा था, और वहीं जो इंसान उन दोनों का वीडियो बना रहा था वो अभी भी एकदम जूम करके चुपके से वीडियो कैप्चर कर रहा था। तभी उनके टेंट की तरफ से कोई गुजरा, जिससे वो इंसान जो अब तक अच्छी खासी वीडियो बना चुका था वो तुरंत वहां से जल्दी से चला गया। और उधर अंतरा को ऐसा लगा कि जैसे कोई वहां से गया हो। वो ये सोचकर दानिश को खुद से दूर करने लगी, और तभी वहां शिवम की आवाज आई, जो टेंट के बाहर खड़ा होकर दानिश से बोल रहा था, भाई अगर हो गया हो तो अब बाहर भी आ जा, सभी जा चुके हैं, बस हम ही लोग बचे हैं। उसने नौटी आवाज में ये सब कहा और हंसने लगा। वहीं अंतरा दानिश के नॉन स्टॉप किस से परेशान होकर उसे खुन्नस में घूर रही थी। अंतरा का चेहरा एकदम लाल हो गया। वहीं दानिश जब उस किस से सैटिस्फाइड हुआ तो उसने अंतरा को छोड़ दिया। अंतरा लंबी लंबी सांसें भरने लगी और गुस्से से दानिश को घूरते हुए जैसे ही जाने को हुई
दानिश उसकी बाजू पकड़कर अपने करीब करते हुए बिना भाव के बोला, तुम मुझे जल्द से जल्द अपनाओ, क्योंकि अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह पाऊंगा। क्लियर? अंतरा ये बात सुनकर दानिश की आंखों में देखने लगी तो दानिश फिर उसके बालों को ठीक करते हुए बोला, नाउ लेट्स गो। ये बोलते हुए वो उसके हाथों को पकड़कर टेंट से बाहर निकल गया तो वहीं बाहर करण, श्रेया और शिवम तीनों खड़े उन्हीं का इंतजार कर रहे थे और फिर सभी ट्रैकिंग के लिए पहाड़ की तरफ बढ़ गए। वहां का तापमान काफी ठंडा था जिस वजह से सभी स्टूडेंट्स ने अपने अपने कैरी बैग में हर तरह का सामान रख लिया था जिससे कि अगर वहां जरूरत पड़ती तो वो उसे आराम से यूज कर सकते थे। अब तक दोपहर हो चुकी थी। वहीं वो इंसान जिसने दानिश और अंतरा की किस वाली वीडियो बनाई थी उसने उसे अच्छे से एडिट करके सीधे कॉलेज के ग्रुप में डाल दिया। अंतरा उधर अपने इस ट्रैकिंग को लेकर काफी खुश नजर आ रही थी पर आने वाले खतरे से अनजान थी। सभी ट्रैकिंग काफी जोश के साथ कर रहे थे। कुछ रास्ते तक श्रेया अंतरा के साथ थी पर फिर जब सभी ज्यादा ऊपर तक जाने लगे तो सभी एक दूसरे के साथ ग्रुप में जाने लगे। दानिश अंतरा को अपने साथ लेकर जा रहा था। अंतरा ने कुछ नहीं कहा और वो उसी का हाथ मजबूती से पकड़े ऊपर जाने लगी। जैसे जैसे वो लोग ऊपर की ओर जा रहे थे वैसे वैसे वहां ठंड दोगुनी हो रही थी। अंतरा ने अच्छे खासे गर्म कपड़े पहन रखे थे पर तब भी उसके अंदर कपकपाहट हो रही थी। दानिश उसके ठंडे चेहरे पर अपने हाथ रब करते हुए बोला, आर यू ओके? अंतरा को दानिश का हाथ काफी गर्म लग रहा था और फिर उसने दानिश की बातों का जवाब अपना सर हाँ में हिलाकर दिया। कुछ समय बाद जब वो लोग पहाड़ के ऊपर पहुंचे तब तक अंतरा पूरी तरह कांपने लगी थी। पहाड़ ज्यादा ऊंचा नहीं था जिस वजह से सब आराम से पहुंच चुके थे। वहीं दानिश ने अंतरा को ऐसे ठंड से कांपते हुए देखकर अपने लेदर कोट को उतारा और उसे अंतरा को पहनाते हुए बोला, इसे पहनो तुम्हें कम ठंड लगेगी। अंतरा ने अपने ऊपर उस कोट को एक नजर देखा और फिर दानिश को देखा जिसने अब सिर्फ एक ब्लैक शर्ट पहन रखी थी। अंतरा ये देखकर जल्दी से उस कोट को वापस करते हुए बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है इसलिए इसे आप वापस से पहन लीजिए। उसकी बात सुनकर दानिश उसे घूरते हुए वापस से उसे कोट पहनाकर उसकी जिप टाइट से बंद करते हुए बोला, मुझे कोल्डनेस की आदत है, मैं ऐसे माहौल में कई बार रह चुका हूँ। अंतरा उसकी बात सुनकर ना समझी में बोली, मैं ये तो जानती हूँ कि आपकी शक्ल पर हमेशा कोल्ड एक्सप्रेशन रहते हैं और जिस वजह से आपको ठंडेपन की आदत हो गई होगी, पर कई बार ऐसे माहौल में रहने से आपका क्या मतलब है? उसकी पहली बात सुनकर दानिश उसे अपनी ठंडी नजरों से घूरने लगा और फिर बिना भाव के जवाब देते हुए बोला, मैंने और भाई ने बचपन में मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ और भी कई सारी ट्रेनिंग इन्हीं सब जगहों पर की थी जिस वजह से मुझे ऐसे माहौल में रहने की आदत है। ये बात सुनकर अंतरा के दिमाग में किसी का बचपन का चेहरा आया जिस वजह से उसने दानिश से थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, वैसे क्या आप मुझे अपनी बचपन की फोटोज दिखाएंगे? क्योंकि मैंने माँ से भी कहा था पर उन्होंने कहा कि आपकी सारी पुरानी फोटोज सिर्फ आपके ही पास हैं, इसलिए मैंने आपकी फोटो नहीं देखी बचपन की, बाकी सभी का देख लिया। ये बोलते बोलते अंतरा दानिश को देखने लगी जो बड़े ही ध्यान से उसे ही देख रहा था। वहीं अंतरा उसके ऐसे देखने से फिर जल्दी से बात बदलते हुए बोली, अच्छा वो सब छोड़िए, वो देखिए टीचर और बाकी सब भी आ गए। अंतरा ने दूसरी तरफ इशारा किया जहां सभी अब तक आ चुके थे। अंतरा फिर श्रेया के पास चली गई और अंतरा मन ही मन खुद को डांटते हुए बोली, कि मैं क्या क्या बकवास कर रही थी उस शैतान से, आगे से मैं उनसे कुछ भी नहीं पूछूंगी, कैसे देख रहे थे मुझे वो जैसे कि कच्चा ही खा जाएंगे। यही सब अपने मन में बुदबुदाते हुए अंतरा श्रेया के पास जाकर खड़ी हो गई। वहीं दानिश की गहरी नजरें सिर्फ अंतरा पर थी। तभी उसके पास शिवम आया और उसे कुछ बताने लगा। उधर टीचर ने सभी को पहाड़ पर ही आज कैंप लगाने को कहा तो सभी अपना अपना टेंट सेट करने लगे। वहीं अंतरा पहाड़ की ऊंचाई से नीचे का व्यू देख रही थी। ऊपर से नीचे सारी चीजें छोटी और कोहरे के साथ ही बर्फ से ढकी दिख रही थी। वहां की हवा बहुत ताजी थी और ठंडी भी जो अंतरा के बालों को उड़ा रही थी और उसके चेहरे को ठंडी हवा छू रही थी।
जो उसे काफी फ्रेश फील करवा रही थी। अंतरा काफी सुकून के साथ वहां खड़ी ही थी कि तभी किसी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया, तो अंतरा एकदम से हड़बड़ा गई, जिससे कि उसका पैर जैसे ही स्लिप होने वाला था, वो इंसान उसे खींचकर वापस अपनी बाहों में भर लेता है और उसके कान में धीरे से बोला, इतनी जल्दी तुम मुझसे दूर नहीं हो सकती और मरने की इजाजत तुम्हें नहीं है, सिली गर्ल। ये आवाज बहुत गहरी और अजीब थी, जिसे सुनकर ही अंतरा का दिल धक सा रह गया और अगले ही पल वो खुद को संभाल कर दानिश की बाहों से निकलते हुए बोली, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए दानिश। दानिश उसकी बात सुनकर उसे अपने साइड घुमाते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम जान हो मेरी, तो तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया नहीं कहना चाहिए सिली गर्ल। आई डोंट लाइक इट। अंतरा उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए परेशान आवाज में बोली, आप समझते क्यों नहीं दानिश, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आपकी जबरदस्ती का हक मुझे पसंद नहीं। ये बात सुनकर दानिश अपनी ठंडी आवाज में बोला, तुम्हें मेरा साथ अच्छा नहीं लगता? अंतरा ये सुनकर अपना सर झुकाते हुए बोली, आप मेरे साथ जो करते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता, और अगर किसी को पता चल गया तो सब मुझे कहेंगे, वैसे भी कॉलेज के लोग मेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, और अगर घर तक ये बात गई तो मैं क्या जवाब दूंगी दादी को, इसलिए प्लीज मुझसे दूर रहिए, क्योंकि मैं आपके पास नहीं आती, आप ही मेरे पास आते हैं, तो दूर रहिए। अंतरा के मन में कल की अभिषेक वाली बातें चल रही थी, जिस वजह से उसने दानिश से सारी बातें क्लियर कह दी। वहीं दानिश का चेहरा डार्क हो गया और वो उसे बिना भाव के कुछ पल घूरता रहा, जिसके बाद वो वहां से जाते हुए सार्कास्टिक स्माइल करते हुए बोला, वेल, अब मैं नहीं, तुम मेरे पास आओगी सिली गर्ल, और तुम खुद सबके सामने कहोगी कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ये कहकर दानिश वहां से सीधे चला गया। वहीं अंतरा ये सुनकर ना समझी में अपना सर हिलाते हुए बोली, दानिश के कहने का मतलब क्या था? हे भगवान, ये इंसान मुझे कभी समझ नहीं आएंगे। अंतरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो खुद में ही उलझी हुई थी कि तभी श्रेया उसके कंधे पर टैप करते हुए बोली, हे, तुम यहाँ क्यों हो? चलो, हमारा कैंप लग गया और रात को अब यहाँ बारबेक्यू होगा, जिसमें बहुत मजा आएगा। उसकी बात सुनकर अंतरा ने बुझे मन से हाँ में सिर हिलाया और उसके साथ सभी के पास चली गई। अब तक धीरे धीरे शाम से रात हो चुकी थी और वहाँ का माहौल रात के समय में खूबसूरत के साथ साथ ठंडा भी हो चुका था। वहीं बीचों बीच आग जलाई गई थी, जिससे माहौल में गर्माहट बनी रहे। कुछ स्टूडेंट्स बारबेक्यू का इंतजाम कर रहे थे। स्टूडेंट्स जो अपने साथ गिटार लेकर आए थे, वो उसे बजाने के लिए सेट कर रहे थे। आग के सर्कल में सभी के बैठने का इंतजाम किया गया था। सभी काफी मस्ती में लग रहे थे। अंतरा सभी के साथ अच्छे से हंसकर बातें कर रही थी। तभी एक टीचर सभी स्टूडेंट से बोले, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। सभी उनकी बात सुनकर अपनी अपनी जगह आकर बैठ गए और खुशी से हूटिंग करने लगे। अंतरा भी अब सबके साथ खुश नजर आ रही थी और सभी फिर उस पल को एंजॉय करने लगे। तो किसने बनाई है वो अंतरा और दानिश की किस वाली वीडियो? क्या अंतरा जाएगी खुद चलकर दानिश के पास? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तभी एक स्टूडेंट ने अपने गिटार पर धुन बजाना स्टार्ट किया, जिसे सुनकर सभी तालियां बजाने लगे। शिवम करण बारबेक्यू कर रहे थे और श्रेया उस धुन पर अपने हाथों को मूव करते हुए डांस कर रही थी और अंतरा उसके लिए हूटिंग करते हुए तालियां बजा रही थी। तभी वहां दानिश आया, उसे देखकर माहौल अचानक से शांत हो गया। अंतरा भी खामोश हो गई और दानिश को देखने लगी। दानिश उसे एक नजर देखकर बिना भाव के सभी को घूरते हुए बोला, तुम सब रुक क्यों गए? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? ये बात सुनकर टीचर जल्दी से उससे बोले, नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, आओ तुम भी बैठो। ये बोलकर टीचर ने उसके लिए सीट ऑफर किया, पर तभी शिवम उन सबके पास आते हुए दानिश से बोला, वैसे तुम अगर इंसान हो तो आज अपना हिडन टैलेंट हम सबको दिखा दो, क्योंकि काफी समय हो गया तुम्हारी वो मधुर आवाज सुने। उसकी बात सुनकर दानिश उसे अपनी सख्त नजरों से देखने लगा, तो टीचर भी शिवम की बातों में हामी भरते हुए बोली, हाँ बेटा, ऐसे मौके कहाँ रोज रोज मिलते हैं,
और इस बार तुम सबका फाइनल ईयर है। इतना तो बनता है। अंतरा उन सब की बातें ध्यान से सुन रही थी, उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं दानिश ने एक बार अंतरा को देखा, अंतरा की नजर भी उससे मिल गई, पर अंतरा ने जल्दी से अपनी बड़ी बड़ी पलकें झुका ली और दानिश फिर उसे घूरते हुए वहीं सबसे अलग जाकर बैठ गया। एक लड़के ने रिस्पेक्ट के साथ दानिश को गिटार दिया और फिर सभी बेहद एक्साइटमेंट के साथ बैठ गए। वहीं दानिश ने सिर्फ अंतरा को देखते हुए अपने गिटार पर ट्यून सेट किया। अंतरा को दानिश की नजरें खुद पर महसूस हुई, जिस वजह से वो अपनी पलकें चाहकर भी उठा नहीं पा रही थी। तभी दानिश अंतरा की झुकी हुई पलकों को देखते हुए गाने लगा, झुकी तेरी पलकों में मिल जाए मुझे पना। उसकी आवाज जैसे ही अंतरा के कानों में गई, उसने तुरंत दानिश को देखा जो गिटार बजाते हुए उसे ही देख रहा था। अंतरा का चेहरा लाल हो गया। वहां बैठे सभी लोग दानिश की आवाज में एकदम खो गए। उधर शिवम श्रेया भी एक दूसरे में खोए हुए थे। इसी तरह कुछ ही देर में दानिश ने गिटार बंद कर दिया, जिसके साथ वो गहरी नजरों से अंतरा को देखने लगा, जिसने पूरे गाने में अपनी पलकें बहुत कम उठाई थी। और तभी सभी तेज तेज तालियां बजाते हुए हूटिंग करने लगे, जिससे अंतरा को होश आया जो कि दानिश की मदहोश आवाज में खो चुकी थी। अंतरा का चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ चुका था, जिस वजह से वो दानिश से नजरें नहीं मिला पा रही थी। और फिर करण सभी को खाना सर्व करने लगा। उधर दानिश ने एक नजर अंतरा को देखा और वहां से चला गया। वहीं अंतरा का दानिश को फिर से जाते हुए देखकर मुंह बन गया। उधर वो लड़का जिसने किस वाली वीडियो बनाई थी, वो किसी के पास कॉल करके बोला, बॉस काम हो गया, कल तक ये कॉलेज ग्रुप में सबके पास पहुंच जाएगा। उधर से किसी ने कुछ कहा और फिर कॉल कट हो गया। दूसरी तरफ दानिश पहाड़ के दूसरे साइड खड़ा होकर चांद को घूरते हुए सिगरेट पी रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो एक टक बस चांद को देखकर लंबी लंबी कश ले रहा था। उसके जहन में इस वक्त वो पल घूमने लगा जब वो बचपन में अंतरा से उस रोड साइड से मिलकर वापस अपने पैलेस में चला गया था। दानिश दूसरे दिन अपनी पढ़ाई कर रहा था, तभी उसके पास एक नौकर आया और दानिश के पास आकर रिस्पेक्ट के साथ बोला, छोटे बाबा, हमने उस लड़की का पता लगा लिया है। दानिश बोला, कहाँ रहती है वो? ये बात सुनकर वो नौकर बोला, छोटे बाबा, वो आपके परिवार के ट्रस्ट के अनाथ आश्रम में अभी अभी आई है। उसका बैकग्राउंड का अभी तक कुछ पता नहीं चला है, बस इतना पता चला है कि उस अनाथ आश्रम के मालिक उस छोटी लड़की को उज्जैन से लेकर आए हैं और अब वो उसी अनाथालय में रह रही है। उसकी बात सुनकर दानिश को अंतरा का क्यूट सा फेस याद आया, जिसे सोचकर वो बोला, मुझे उससे मिलना है। ये बोलकर वो स्टडी रूम से बाहर जाने लगा। तभी एक लड़का जो कि ध्रुव था, वो उसके पास आया। वो दानिश को देखकर बोला, कहाँ जा रहे हो तुम दानिश? ये सुनकर दानिश बोला, भाई मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ध्रुव का उसकी बात सुनकर मुंह बन गया और दानिश फिर पैलेस से बाहर निकल गया। उसके पीछे गार्ड्स भी गए थे। दानिश ड्राइवर को कार करुणा अनाथालय लेकर चलने को बोला और ड्राइवर उसके कहे अनुसार कार को वहां ले गया। कुछ ही देर में दानिश की कार करुणा अनाथालय के बाहर आकर रुकी। वहीं दानिश अपने हाथों में बलून और चॉकलेट्स लेकर बाहर निकला। दानिश के मन में ज्यादा कोई इमोशन नहीं थे, उसे सिर्फ अंतरा काफी भोली और मासूम लगी थी, जिस वजह से वो उससे दोबारा मिलना चाहता था, क्योंकि पहली बार वो किसी दूसरे बच्चे से मिला था, वरना उसकी जिंदगी सिर्फ पैलेस या पढ़ाई तक ही लिमिटेड थी। दानिश सीधे आश्रम के अंदर गया। वो अभी अंदर पहुंचा ही था कि उसे गार्डन में किसी के खिलखिलाने की आवाज आई। दानिश उस क्यूट सी आवाज को सुनते हुए उसी ओर बढ़ गया, जहां छोटी सी अंतरा अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी फ्रॉक को उठाए हंसकर आगे आगे भाग रही थी। तो वहीं कुछ बच्चे जो उसी की उम्र के थे, वो उसके साथ खेलते हुए पीछे पीछे भाग रहे थे। दानिश को अभी से ही पता नहीं क्यों अंतरा का किसी और के साथ ऐसे हंसते खेलते देखना पसंद नहीं आया, और वो अंतरा के करीब बढ़ा और उसके नन्हे हाथों को पकड़ लिया। अंतरा भागते भागते रुक गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दानिश को देखने लगी, और उसे देखते ही अंतरा के चेहरे पर बड़ी क्यूट सी स्माइल आ गई और वो अपनी तोतली आवाज में बोली, अरे आप तो वही हो ना जिन्होंने कल मुझे वो बलून दिया था। उसकी बात पर वो छोटे छोटे बच्चे अंतरा को देखने लगे और फिर दानिश को देखने लगे। छोटी सी अंतरा पाउट बनाते हुए दानिश से बोली, पर आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या आप मेरे लिए ये सब लाए हैं? उसकी बात सुनकर दानिश उसे हल्की सी स्माइल करके देखने लगा और फिर उसके चबी गालों को खींचते हुए बोला,
तुम बहुत प्यारी हो, पर उसके साथ साथ तुम सिली भी हो, माय सिली गर्ल। अंतरा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर कर देखने लगी, पर तभी उसकी नजर दानिश के हाथ में पकड़े बलून और चॉकलेट्स पर गई। तो अंतरा बड़ी सी स्माइल करते हुए जल्दी से दानिश से बोली, ये सब मेरे लिए ही आप लाए हो ना? दानिश ने उसे देखते हुए हाँ में सिर हिलाया और उसे वो सब दे दिया। अंतरा ने खुशी से उछल कर जल्दी से वो सब ले लिया। अंतरा चॉकलेट्स खाने लगी और बलून से खेलने लगी। दानिश उसकी डबल चोटी में बंधे बालों को सहलाने लगा। अंतरा काफी प्यारी थी, और फिर दानिश उसके पास ही बैठ गया और उसे देखते हुए खुद से ही बोला, सिली गर्ल प्रेजेंट टाइम। दानिश को पीछे से किसी की आवाज आई और वो अपनी पुरानी सोच से बाहर निकला। उसके हाथ में पकड़ी सिगरेट अब तक जलकर बुझ चुकी थी और अब तक काफी रात भी हो चुकी थी। दानिश ने सिगरेट को अपने शूज से मसलते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ शिवम खड़ा था। शिवम उसके पास आते हुए उसे ध्यान से देखकर बोला, उसे टाइम दो, वो तुम्हें जरूर अपनाएगी। उसकी बात सुनकर दानिश बिना किसी भाव के बोला, और वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। ये बोलकर दानिश वहाँ से चला गया और शिवम उसकी बात की गहराई को समझने की कोशिश करते हुए खुद से बोला, बहुत जल्द आने वाला है से क्या मतलब था इसका? कहीं इसने कुछ किया तो नहीं? वैसे भी इसका कुछ भरोसा नहीं। शिवम को कुछ समझ नहीं आया, पर फिर वो भी वहाँ से दानिश के पीछे पीछे चला गया। दानिश जब कैंप की तरफ आया तब उसने देखा कि अंतरा अभी भी सभी से बातें कर रही थी, जिसे देखकर ही दानिश का चेहरा ठंडा हो गया और वो अंतरा के पास आते हुए सभी से सर्द आवाज में बोला, सभी को अब सो जाना चाहिए। उसकी कही इतनी ही बात सभी के लिए ऑर्डर के बराबर थी, जिसे मानते हुए सभी फिर अपने अपने टेंट में चले गए। उधर अंतरा भी दानिश की बात सुनकर अपने टेंट में चली गई। दानिश उसे जाते हुए बिना इमोशन के देख रहा था, और फिर वो भी अपने टेंट में चला गया। अंतरा अपने टेंट में आकर लेट गई, पर उसका मन बार बार दानिश को याद करके उलझन में था, जिस वजह से उसने गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया और चुपचाप सो गई। अगली सुबह, सुबह सुबह ही कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स के फोन पर एक साथ एक वीडियो क्लिप आई। अंतरा के भी फोन पर वो आई थी, पर अंतरा ने उसे चेक नहीं किया था और फ्रेश होकर अपने कैंप से बाहर सभी के पास चली गई। अंतरा जब सबके पास पहुंची तो उसे कुछ अजीब सा लगने लगा, क्योंकि सभी उसे अजीब तरह से देख रहे थे। अंतरा ने अपने कपड़े ठीक किए, उसे लगा शायद उसने कुछ गलत पहन लिया, पर तभी उसके कान में किसी के खुसफुसाने की आवाज आई। कुछ स्टूडेंट्स एक दूसरे से बात कर रहे थे। अरे ऐसे थोड़ी ना पूरे कॉलेज में लड़की फेमस हो गई थी, इसीलिए तो सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स इसे भला बुरा कहते थे। आखिर पता चली गया कि इसने दानिश सर जैसे इतने हॉट लड़के को कैसे अपने जाल में फंसाया। तभी वहाँ दूसरी लड़की बोली, हाँ देखो वीडियो में कैसे ये किस कर रही है दानिश सर को, ऐसे तो बड़ा उनसे दूर दूर भागती रहती है और पीठ पीछे ये सब करती है उनके साथ। वो लोग अंतरा को देखते हुए ही बातें कर रहे थे, जिसे सुनकर अंतरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसका मन घबराने लगा। उसने अपने आसपास देखा, सभी उसे देख रहे थे। तभी श्रेया जल्दी से उसके पास आकर उसे वापस से टेंट में ले जाने लगी, तो अंतरा उसे देखते हुए ना समझी में बोली, श्रेया कुछ हुआ है क्या? ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसकी बात सुनकर श्रेया उसे अपने फोन में एक वीडियो दिखाने लगी। अंतरा ने जैसे ही उस वीडियो को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका शरीर कांपने लगा। उस वीडियो में दानिश उसे किस कर रहा था, जो कि ये कल दोपहर का वीडियो था। अंतरा की आंखें नम हो गईं और उसके गाल पर आंसू गिरने लगे। वो फोन को जल्दी से दूर करते हुए अपनी कांपती आवाज में बोली, ये सब कैसे हुआ? उसे बोला भी नहीं जा रहा था, तभी श्रेया उसे गले लगाते हुए चुप कराते हुए बोली, शांत हो जाओ अंतरा, ये वीडियो अभी तक बस अपने कॉलेज के ही ग्रुप में आई है और कहीं भी ये वीडियो अपलोड नहीं हुई है, इसलिए तुम परेशान मत हो और दानिश सर से बात करो, वही कुछ कर सकते हैं अब इसमें, क्योंकि अब एक वही इंसान है जो सबका मुंह बंद कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर अंतरा जल्दी से श्रेया से दूर होते हुए सिसकते हुए बोली, क्या वो इसमें मेरी हेल्प करेंगे? जिस पर श्रेया बोली, हाँ क्यों नहीं, दानिश सर भी इस वीडियो में है तो वो जरूर तुम्हारी हेल्प करेंगे। इस पर अंतरा सुबकते हुए बोली, हाँ मैं उन्हीं से बात करूंगी, कहाँ है वो, प्लीज मुझे उनके पास ले चलो, मुझे सब जल्द से जल्द ठीक करना है। उसकी बात सुनकर श्रेया बोली, कैंप के दूसरी साइड है, मैंने उन्हें सुबह सुबह वहाँ जाते हुए देखा था।
क्या करेगा दानिश अंतरा की मदद? आखिर किसने चली है ये चाल? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उसकी बात का बिना कोई जवाब दिए अंतरा जल्दी से टेंट से बाहर निकल गई और सीधे पहाड़ के दूसरी तरफ चली गई। पर वहाँ कोई नहीं था। अंतरा रोते हुए आसपास देखकर बोली, कहाँ है आप दानिश? प्लीज मुझे आपसे बात करनी है। अंतरा ये बोलकर वहीं अपने मुंह पर हाथ रखकर सिसकने लगी। तभी किसी ने उसे कस कर पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। अंतरा बिना कोई रिएक्ट किए उसकी बाहों में खड़ी रही और फिर मुड़कर उसके सीने पर सर रखते हुए तेज तेज सिसकने लगी। वो सिसकते हुए उस इंसान से बोली, दानिश वो किसी ने एक वीडियो कॉलेज ग्रुप में अपलोड कर दिया और अब सब भी मुझे। अंतरा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, उससे आगे बोला भी नहीं जा रहा था। वहीं वो इंसान दानिश था। दानिश उसे अपने सामने करके उसके आंसू साफ करते हुए उससे सख्त आवाज में बोला, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? अभी मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें ऐसे रोने की जरूरत नहीं है सिली गर्ल। ये कहकर दानिश ने अंतरा को वापस से अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ को रब करने लगा। अंतरा को दानिश के करीब बहुत सेफ फील हो रहा था, जिस वजह से वो धीरे धीरे सुबकते हुए चुप हो गई। दानिश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वो अंतरा को पास की एक चट्टान पर बैठाते हुए खुद उसके सामने आकर बोला, तुम क्या चाहती हो बताओ मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? ये कहते हुए उसके चेहरे पर अनदेखी मुस्कुराहट थी जिससे अंतरा अनजान थी। वहीं ये बात सुनकर अंतरा अपना सर नीचे करके धीरे धीरे सिसक कर बोली, वो वीडियो आप हटवा दीजिए। दानिश उसे बिना किसी भाव के देखते हुए बोला, वो तो मैं हटवा दूंगा, पर लोग तब भी बातें करेंगे, उसका क्या? ये सुनकर अंतरा आंसू भरी आंखों से देखते हुए बोली, तो फिर और मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा दानिश, मुझे बहुत डर लग रहा है इन सब से। उसकी बात सुनकर दानिश उसे ध्यान से देखते हुए बोला, सबके सामने तुम मेरी बन जाओ। अंतरा हैरानी से दानिश की ये बात सुनकर उसे देखने लगी तो दानिश आगे बोला, यही एक ऑप्शन है, तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना होगा, और वैसे भी मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये करने को, पर तुमने मेरी बातों को सीरियस नहीं लिया। पर अब देखो सिचुएशन खुद तुमसे ये करवाना चाहती है, इससे फिर कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। उसकी बात सुनकर अंतरा उसे भोलेपन से कुछ पल देखने लगी। उसे इस वक्त यही सही लग रहा था, जिस वजह से वो फिर धीरे से बोली, ठीक है मैं रेडी हूँ। दानिश उसकी बात सुनकर सुकून के साथ बोला, सोच लो एक बार फिर, क्योंकि मैं तुम्हें पूरे कॉलेज के सामने ऑफिशियल तौर पर अपनाऊंगा एज माय गर्लफ्रेंड, और फिर तुम पीछे नहीं हट सकती। ये बात सुनकर अंतरा ने कुछ पल सोचा और फिर आगे बढ़कर दानिश के सीने से लगते हुए सिसक कर बोली, मुझे सब मंजूर है दानिश, मैं आपको अपनाने के लिए तैयार हूँ। उसके ये बोलते ही दानिश के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई। फिर दानिश अंतरा का हाथ पकड़कर अपने साथ कैंप की तरफ ले गया, जहाँ इस वक्त सभी मौजूद थे। वहीं अंतरा ने अब अपना हाथ उससे नहीं छुड़ाया और वो दानिश के साथ ऐसे ही खड़ी रही। सारे स्टूडेंट्स उन्हें देख रहे थे, शिवम, करण, श्रेया भी उन्हें देख रहे थे। शिवम की नजर बस दानिश पर थी। तभी दानिश ने सभी से अपनी सख्त आवाज में कहा, अब तुम सबको पीठ पीछे कोई भी बातें बनाने की या इसे कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो भी बात कहनी हो तुम सब आकर डायरेक्टली मुझसे कह सकते हो, क्योंकि मैंने सुना है तुम सब कॉलेज में आजकल इसी टॉपिक पर ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो। दानिश की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स ने अपना सर शर्म से झुका लिया तो दानिश फिर अपनी सर्द आवाज में बोला, अब पॉइंट पर आते हैं, ये लड़की जो मेरे साथ इस वक्त खड़ी है ये मेरी फियांसे, गर्लफ्रेंड, बेटर हाफ, एनीथिंग, कुछ भी कह सकते हो, ये मेरी सब कुछ है, इसलिए अब कोई भी इसके पीठ पीछे बातें नहीं बनाएगा, वरना मैं उनके साथ क्या क्या करूंगा आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये बताना चाहिए। दानिश की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी के साथ साथ अंतरा भी हैरान थी और वो दानिश को घूरने लगी तो दानिश फिर सभी से रूड आवाज में बोला, शी इज माई गर्ल, और अब आगे से किसी ने भी इसकी तरफ आंख भी उठाकर देखा तो मैं उसकी उसी वक्त आंखें निकाल लूंगा। एंड हाँ, इसे धमकी नहीं, मेरी वार्निंग समझना। ये बात सुनकर सभी के अंदर दहशत आ गई।
क्योंकि ये सच था, दानिश ओबेरॉय से कोई भी पंगा लेने की सपने में भी नहीं सोच सकता था। वहीं अंतरा भी थोड़ी सहम गई, पर तभी दानिश ने अंतरा के चेहरे को देखा तो अंतरा को कुछ याद आया और उसने दानिश का हाथ पकड़कर सभी की तरफ हाँ में सिर हिलाया। ये देखकर दानिश फिर अपनी बात खत्म करते हुए बोला, Is that clear to everyone? उसकी बात सुनकर सभी लड़कों और लड़कियों ने अपना सर झुकाते हुए तेज आवाज में यस कहा। अंतरा को अब थोड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले यही लोग उसके बारे में उल्टा सीधा कह रहे थे और उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, पर अब वही लोग उसके सामने सर झुकाए खड़े थे, वो भी रिस्पेक्ट के साथ। उसके बाद दानिश अंतरा के गालों को सहलाते हुए बोला, अब ठीक है सिली गर्ल। अंतरा उसकी बात सुनकर प्यारी सी स्माइल करके हाँ में सिर हिला देती है, तो दानिश फिर उसे लेकर वहाँ से चला गया। टीचर वहाँ नहीं थे, वो दूसरे हिस्से में थे, वहाँ सिर्फ स्टूडेंट्स ही मौजूद थे। उधर शिवम के मन में बहुत कुछ चल रहा था और इधर दानिश ने किसी को कॉल करके ग्रुप से वीडियो डिलीट करवा दिया और सभी स्टूडेंट्स ने भी दानिश के डर से वो वीडियो डिलीट कर दिया। अंतरा को अब काफी अच्छा लग रहा था। दानिश अंतरा को उसके टेंट में आराम करने को बोलकर खुद बाहर चला गया और जब वो जा रहा था तभी किसी ने पीछे से उसे टोकते हुए कहा, ये सब तुमने किया है ना दानिश? दानिश उसकी आवाज सुनकर रुक गया और उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए और वो पलटते हुए बोला, मैंने क्या किया? उसकी बात सुनकर शिवम उसे घूर कर देखते हुए बोला, ओह रियली? तुम्हें सच में लगता है कि मैं भी बाकियों की तरह तेरे कहने में आ जाऊंगा? फिर वो उससे सीरियस आवाज में बोला, अब सीधे सीधे बताओ ये सब क्यों किया तुमने आखिर? इस पर दानिश बिना अपने एक्सप्रेशन चेंज किए बोला, उसे मुझे सबके सामने पाना था तो मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था और जो मेरे हिसाब से सही था। उसकी बात सुनकर शिवम उसे घूरते हुए बोला, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुमने खुद ये सब वीडियो बनवाया और ऐसे ग्रुप में डलवाया, वो भी बस उसकी हाँ सुनने के लिए। हद होती है दानिश पागलपन की। दानिश टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, हाँ तो उसमें गलत क्या है? मैंने उसे अपना बना लिया, फिर वो चाहे बाय हुक और बाय क्रुक हो। दानिश की बात सुनकर शिवम उसे कुछ पल ध्यान से देखता रहा और फिर उससे बोला, अगर उसे ये बात पता चल गई तब क्या वो तुम पर गुस्सा या तुमसे नाराज नहीं हो जाएगी? उसकी बात सुनकर दानिश बोरियत से बोला, वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं उसे संभाल लूंगा, तुम हमारे बीच मत आओ। फिर दानिश उसे तीखी नजर से देखते हुए आगे बोला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे अलावा कोई भी गैर इंसान उसके बारे में इतनी फिक्र दिखाए, इसलिए उसके बारे में सोचकर तुम अपने ऊपर खतरा ले रहे हो। शिवम उसकी ये बात सुनकर एकदम हैरान रह गया और वो फिर उससे चिढ़ते हुए बोला, तुम उसके पीछे इतना पागल हो गए हो कि तुम्हें इतना भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे सिर्फ एक बहन के नजरिए से देखता हूँ? दानिश उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे क्या मानते हो और क्या नहीं, बस तुम उसके बारे में सोचना बंद कर दो, यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। ये बोलकर दानिश वहां से चला गया और उसे जाता देखकर शिवम लाचारी से अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, बस ये अंतरा को अपने इस पागलपन में चोट ना पहुंचाए। वो ये सब कह ही रहा था कि तभी श्रेया ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे शिवम फिर उसकी तरफ देखने लगा और पूछा, क्या हुआ? श्रेया कुछ सोचते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब जो आज हुआ ये किसी की प्लानिंग थी? उसकी बात को सुनकर शिवम उसके माइंड को डाइवर्ट करते हुए बोला, वो सब छोड़ो, मुझे एक किस करनी है तुम्हें अभी। उसकी बात सुनकर श्रेया उसे घूरते हुए बोली, जस्ट शट अप। ये बोलकर वो वहां से जल्दी से चली गई। वहीं शिवम उसे देखकर हंसने लगा। दूसरी तरफ होटल में ध्रुवी ने अपने लिए दिल्ली में रहने के लिए एक फ्लैट का इंतजाम कर लिया था। हालांकि उसका वहां बंगला भी था पर वो ओबेरॉय ऑफिस से दूर था और प्रोजेक्ट के लिए ध्रुवी को ध्रुव के साथ ही एक ही ऑफिस में काम करना था, जिस वजह से उसने उसके ऑफिस के पास में ही एक फ्लैट ले लिया था। सारी मीटिंग्स अब खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से ध्रुवी अब यहाँ से सीधे दिल्ली जाने वाली थी। वो अपना लगेज पैक करके जब अपने रूम से बाहर निकली तब उसी वक्त ध्रुव भी अपने रूम से बाहर निकला। ध्रुवी ने ध्रुव को देखकर मुंह बना लिया तो वहीं ध्रुव ध्रुवी को देखकर स्माइल करते हुए उससे बोला, हेलो मिस ध्रुवी। ध्रुवी को अब उसके साथ ही काम करना था, जिस वजह से उसने खुद को नॉर्मल किया और उससे बोली, हेलो मिस्टर ध्रुव। ध्रुव उसकी बात सुनकर उसे कुछ पल देखते हुए बोला, बाय द वे हम दोनों सिमिलर है ना? उसकी बात सुनकर ध्रुवी बुरा समूह बनाते हुए बोली, व्हाट रबिश, हम दोनों सपने में भी कभी सिमिलर ना हो। और आप,
ये बोलते हुए ध्रुवी की नजर जब ध्रुव पर गई तो वो उसकी बात सुनकर बुरी तरह उसे घूर रहा था, जिसे देखकर ध्रुवी को समझ आया कि उसने शायद अपने दिल के अरमान ज्यादा ही बाहर निकाल दिए। उसके बाद ध्रुवी फिर बात संभालते हुए बोली, ये तो अच्छी बात है, वैसे क्या सिमिलर है हम में? उसकी बात सुनकर फिर ध्रुव अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोला, मैं बस हम दोनों के नामों को लेकर कहना चाह रहा था कि अगर देखा जाए तो हम दोनों के नाम काफी सिमिलर हैं। उसकी बात सुनकर ध्रुवी को भी समझ आया और फिर उसने हंसते हुए कहा, यस यू आर राइट, हम दोनों के नेम्स काफी सिमिलर हैं। उसे हंसता देखकर ध्रुव भी स्माइल करने लगा और इस पर दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिक गईं और वो दोनों खामोश होकर एक दूसरे को बिना पलक झपकाए देखने लगे। उन दोनों का ध्यान तब टूटा जब ध्रुव के पास किसी का कॉल आया। ध्रुवी का चेहरा ब्लश करने लगा और उसने जल्दी से अपनी नजरें ध्रुव से हटा ली। वहीं ध्रुव भी थोड़ा ऑकवर्ड हो गया और फिर ध्रुवी को बाय बोलकर उस कॉल को अटेंड करने चला गया। ध्रुवी फिर खुद को संभालते हुए अपना लगेज लेकर नीचे गई। कुछ ही देर में उसने होटल से चेकआउट किया और दिल्ली की फ्लाइट के लिए सीधे एयरपोर्ट की ओर चली गई। वहीं ध्रुव को भी अब दिल्ली जाना था, जिस वजह से उसने दानिश से बात की और फिर वो भी होटल से चेकआउट कर सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल गया। क्या अंतरा को पता चलेगा दानिश के इस काम के बारे में? क्या अब बढ़ेगा इनका रिश्ता आगे? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दूसरी तरफ पहाड़ पर अब तक ट्रैकिंग पूरी हो गई थी, जिस वजह से सभी अब नीचे लेक के पास आ रहे थे। अंतरा दानिश के साथ थी और वो अब काफी खुश भी नजर आ रही थी। उन लोगों को नीचे आते आते शाम हो चुकी थी। अंतरा काफी थक गई थी, जिस वजह से दानिश ने उसे अपनी पीठ पर उठा लिया था और अंतरा ने आराम से उसकी कमर पर अपने दोनों पैरों को किसी ऑक्टोपस की तरह लपेट कर अपनी आँखें बंद कर ली थी। सभी नीचे वापस अपने अपने टेंट में आ गए। तब दानिश अंतरा को उसके टेंट में ले जाकर उसे सुला देता है और खुद अपने टेंट में आ गया। सभी थके होने की वजह से अपने अपने टेंट में आज आराम करने चले गए। अब तक रात हो चुकी थी और सभी खाना खाकर आराम से सो रहे थे। अंतरा शाम से सो रही थी, जिस वजह से उसकी नींद खुल गई और वो उबासी लेते हुए उठकर बैठ गई। वो काफी फ्रेश फील कर रही थी, तभी उसके टेंट की जिप खुलने लगी। अंतरा एकदम से चौंक गई, पर अगले ही पल वो रिलैक्स हो गई और ना समझी में सामने देखते हुए बोली, दानिश आप यहाँ? कुछ काम था? वो दानिश था। दानिश उसे बिना किसी भाव के देखते हुए उसके टेंट की जिप लगाने लगा। अंतरा उसे ही घूर रही थी। दानिश टेंट को अच्छे से अंदर से बंद करके अंतरा के करीब आने लगा। अंतरा दानिश की आंखों में देखने लगी। उसे थोड़ा अजीब लगने लगा, जिस वजह से वो अपने टेंट से धीरे धीरे चिपकते हुए बोली, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या आपको? दानिश उसके करीब आकर बैठते हुए बिना किसी भाव के बोला, सिली गर्ल, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब मुझसे ऐसे सवाल जवाब नहीं करना चाहिए? दानिश की बात सुनकर अंतरा ने कुछ पल उसे घूरा और फिर उसे आज सुबह का सब याद आ गया, जिसे सोचकर उसके गाल हल्के से गुलाबी हो गए और वो अपने निचले होठों को दबाते हुए अपना सर नीचे करके धीरे से बोली, वो मैं भूल गई थी। दानिश उसके होठों को इंटेंस होकर देखते हुए बोला, नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें अभी अच्छे से याद दिला दूंगा, जिससे कि तुम आगे से ये सब ना भूलो। उसकी बात सुनकर अंतरा हड़बड़ी में उसकी तरफ देखने लगी और अगले ही पल वो सीधे दानिश की गोद में आकर गिरी और हैरानी से दानिश को देखते हुए बोली, क्या करते हैं आप? लग गई मुझे आपकी वजह से। ये कहकर वो अपने सर को सहलाने लगी। वहीं दानिश उसे अच्छे से अपनी गोद में बैठाते हुए उसके सर को अपने हाथों से सहलाने लगा और फिर कुछ सोचकर बोला, बाय द वे, यू आर सो सॉफ्ट सिली गर्ल। उसकी बात सुनकर अंतरा समझ नहीं पाई, पर अगले ही पल उसका चेहरा एकदम से सुर्ख हो गया और वो जल्दी से दानिश से दूर होने लगी। दानिश ने हल्की सी स्माइल करके वापस से उसे उसी पोजीशन में बैठा लिया जिस पोजीशन में अंतरा बैठी थी और उसकी अपर बॉडी दानिश के चेस्ट से लगी हुई थी। वहीं अंतरा दानिश को मन ही मन हजार बार कोस रही थी कि कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता था। अंतरा की सांसें थोड़ी तेज हो रही थी, जिस वजह से वो बार बार अपने होठों को काटते हुए उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी। दानिश उसके चेहरे को सहलाते हुए उससे बोला, What happened? तुम ऐसे फास्ट ब्रीदिंग क्यों कर रही हो? ये सुनकर अंतरा ने मुंह फुलाते हुए कहा, आप
मुझे छोड़ दीजिए, फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। जाहिर सी बात थी, उसकी धड़कनें तेज इसलिए थीं क्योंकि वो दानिश की गोद में उसके बेहद करीब बैठी थी, तो उसकी सांसें तेज होना भी लाजमी था। तभी दानिश धीरे से बोला, ये तो इम्पॉसिबल है, तुम कुछ और सोच लो। अंतरा का चेहरा उसके ऐसे कहने से लाल हो गया, जिस वजह से वो उसे खुद से दूर करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे, आप कभी ठीक से पेश नहीं आ सकते क्या? इस पर दानिश उसके बालों को खोलते हुए धीमी आवाज में बोला, ओके, देन टीच मी हाउ टू बी जेंटल सिली गर्ल। फिर से दानिश अंतरा के अरोमा में मदहोश होते हुए बोला, सिखाओ मुझे कि मैं कैसे तुमसे पेश आऊं। अंतरा उसकी बाहों में सिहरते हुए धीरे से बोली, दानिश मुझे कुछ। वो इतना ही कह पाई थी कि दानिश ने उसके हाथों पर किस कर लिया। अंतरा ने कस कर अपनी आंखें बंद कर ली। दानिश उसकी बंद आंखों को देखते हुए उसकी दोनों आंखों पर भी किस कर देता है। दानिश के जेंटल टच से अंतरा की सांसें धीमी होने लगी। अंतरा का चेहरा इस वक्त बहुत लाल था। दानिश ने अपने हाथों को अंतरा की बड़ी बड़ी पलकों पर रख दिया, जिससे अंतरा की आंखें पूरी बंद हो गईं। दानिश के हाथ अब अंतरा की गर्दन पर चलने लगे, जिससे अंतरा एकदम सिहर उठी। वहां का माहौल एकदम मदहोश हो चुका था। अंतरा दानिश को रोकना चाहती थी, वो बस मन ही मन प्रे कर रही थी कि दानिश इससे आगे ना बढ़े। पर तभी अंतरा को एहसास होता है कि दानिश उसकी ड्रेस की जिप खोल रहा था, जिसे फील करते ही अंतरा की सांसें अटक गईं। पर तभी दानिश रुक गया और अंतरा के चेहरे को गौर से देखने लगा। उसके चेहरे पर इस वक्त डर और बेचैनी थी, जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई और उसने अंतरा को छोड़ दिया। अगली सुबह अंतरा का टेंट। अंतरा को दानिश अपनी बाहों में भरे आंखें बंद किए हुए था, पर अब अंतरा की आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। और जब उसकी आंख खुली, तब उसे अपनी कमर पर किसी के गर्म हाथ महसूस हुए। अंतरा धीरे से कसमसाकर अपने साइड में देखने लगी, तो दानिश ने उसे पकड़ रखा था। अंतरा ध्यान से दानिश को देखने लगी। उसे महसूस हुआ कि दानिश बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। अंतरा को कल रात का सब याद आया, जिसे सोचकर अंतरा का चेहरा लाल हो गया। दानिश ने कल रात उसके साथ कुछ नहीं किया था और उसे इसी तरह अपनी बाहों में भरकर सो गया था। दानिश के बाल इस वक्त मैसी थे, उसका चेहरा अभी भी उसी तरह भावहीन था। अंतरा उसे घूरने लगी, तभी उसकी नजर दानिश की गर्दन पर लगे नाखूनों के स्क्रैच पर गई, जिसे कल उसने बेचैनी में दानिश की गर्दन पर बनाए थे, और उसे देखकर ही अंतरा का चेहरा सुर्ख हो गया। अंतरा फिर दानिश के हाथ को हटाकर जल्दी से उठने की कोशिश करने लगी, पर अगले ही पल दानिश का हाथ वापस से उसकी कमर पर आ गया और दानिश ने उसे पकड़ कर अपने ऊपर खींच लिया। अंतरा को अपनी कमर पर दानिश की पकड़ से दर्द होने लगा और वो गुस्से से दानिश को मन ही मन कोसने लगी और फिर खुद को छुड़ाते हुए बोली, आप पता नहीं किस तरह के इंसान हैं, आपका हाथ नहीं लोहे का हथौड़ा है, छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। दानिश अपनी आंखें खोलकर उसके बिखरे बालों को एक साइड समेट कर अंतरा के गालों को सहलाते हुए बोला, कहाँ दर्द हो रहा है बताओ मुझे, मैं ठीक कर देता हूँ। ये कहते हुए उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वहीं अंतरा दानिश की बात सुनकर अब पागल होने वाली थी। ये इंसान हद से ज्यादा बेशर्म था। अंतरा शिद्दत से दानिश को घूरने लगी। वहीं दानिश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, What happened, silly girl? Are you angry with me? अंतरा उसके सीने पर मारते हुए मुंह फुलाकर बोली, हाँ मैं आपसे गुस्सा हूँ और बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, आप मुझे छोड़ते ही नहीं है और आपकी पकड़ से मुझे दर्द होता है। दानिश उसके सर को सहलाते हुए नर्म आवाज में बोला, ओके जस्ट काम डाउन। ये कहकर उसने अंतरा को छोड़ दिया। उधर अंतरा ने घूर कर दानिश को देखा और खुन्नस में बोली, आप अब से ऐसी कोई भी हरकतें नहीं करेंगे मेरे साथ, समझे आप शैतान कहीं के। दानिश उसकी बात सुनकर उसे पलट कर घूरते हुए बोला, क्या कहा तुमने मुझे अभी? अंतरा इस पर हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा दानिश। दानिश उसे बुरी तरह घूर रहा था, तभी टेंट के बाहर से श्रेया की आवाज आई, अंतरा कब तक सोगी, हमें होटल के लिए भी निकलना है, रेडी होकर बाहर आओ जल्दी। श्रेया ये बोलकर वहां से चली गई। वहीं अंतरा ये सुनकर दानिश की तरफ देखने लगी, तो दानिश उसके माथे को चूमते हुए बोला, रेडी होकर बाहर आओ, अब हम सीधे घर जाएंगे, बहुत घूम लिया तुमने। वो अपना जबरदस्ती का फैसला सुनाकर उसके टेंट से बाहर निकल गया। जब दानिश अंतरा के टेंट से बाहर निकला और सीधे अपने टेंट में चला गया,
वहीं करण दानिश को अंतरा के टेंट से बाहर निकलते देखकर शिवम से बोला, क्या दानिश सारी रात अंतरा के टेंट में था? उसकी बात सुनकर शिवम उसे घूर कर देखते हुए बोला, हिम्मत है तो यही बात उससे पूछ कर आओ। ये बोलकर वो अपने कंधे से उसके हाथ झटक कर सीधे टीचर के पास जाने लगा। वहीं करण भी उसके पीछे जाते हुए चिढ़कर बोला, मरना है क्या मुझे जो खुद उससे जाऊं पूछने। ये कहते हुए वो उसके साथ चला गया। वहीं अंतरा अभी तक ऐसे ही लेटे हुए दानिश की हरकतों को सोचकर उसे कोसे जा रही थी। अंतरा दानिश को कोसते हुए खुद से बोली, शैतान कहीं के, आखिर क्यों मुझे वो हमेशा ऐसे ऑर्डर देते रहते हैं जैसे कि मैंने उनकी जमीन अपने नाम लिखवा लियो। अंतरा फिर अपने कपड़े चेंज करने लगी। उधर दानिश अपने फोन पर किसी से कुछ बात कर रहा था। दानिश ने फिर कॉल कट कर दिया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए गहरी आवाज में बोला, सिली गर्ल, तुम्हारा यूं मुझे ऐसे शैतान कहना पागल कर रहा है जो अच्छी बात नहीं है। ये बोलते हुए दानिश अपने टेंट से बाहर निकल गया और वहीं अंतरा दानिश को पेट भर कर कोसने के बाद अपने टेंट से बाहर निकली और सीधे श्रेया के पास चली गई। वहाँ श्रेया के पास इस समय करण, शिवम और कुछ स्टूडेंट्स और भी थे। अंतरा उनसे नॉर्मली जाकर बात करने लगी, तभी कोई उसकी कमर पर हाथ रखकर उसी के साइड आकर खड़ा हो गया और अंतरा को चाय देते हुए बोला, सिली गर्ल, हैव दिस। अंतरा को उसका ऐसे सबके सामने कमर पर हाथ रखकर बात करना काफी अजीब लग रहा था, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया था। पर कल ही उसने सभी के सामने दानिश को एक्सेप्ट किया था, जिस वजह से वो चाहकर भी दानिश को खुद से दूर नहीं कर सकती थी। इसलिए वो सभी की तरफ देखते हुए जबरदस्ती मुस्कुराई और चाय अपने हाथ में ले ली। अंतरा समझ चुकी थी कि दानिश जैसे इंसान से कुछ भी कहना बेकार था। अंतरा फिर चाय पीने लगी। दानिश उसे चाय पीते हुए एक टक देख रहा था। फिर वो उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, तुम मुझे कोस क्यों रही थी? दानिश की ये बात सुनकर अंतरा के हाथ से चाय का कप तो जैसे छूटने ही वाला था कि दानिश ने उसे पकड़ लिया। अंतरा के चेहरे पर हड़बड़ी थी, जैसे कि उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। अंतरा दानिश को देखते हुए शक भरी आवाज में बोली, सच सच बताना, आप में कोई सुपर पावर है ना? उसकी बात सुनकर दानिश उसे बुरी तरह घूरने लगा, पर कोई जवाब नहीं दिया और अंतरा फिर अपनी बात आगे रखते हुए बोली, मेरा मतलब आपको कैसे ये सब पता चल जाता है कि मैंने आपको कोसा है? अंतरा मासूमियत से दानिश को देखने लगी तो दानिश फिर उसे ध्यान से देखते हुए बोला, तुमसे जुड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों को मैं जानता हूँ, फिर ये तो बस तुम्हारे मन की बात थी। अंतरा ने जब ये सुना तो दानिश को अजीब नजर से देखने लगी। क्या होगा जब अंतरा को पता चलेगा दानिश के पागलपन के बारे में? क्या होने वाला है अब अंतरा की जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तभी दानिश उसके गालों को खींचते हुए बोला, अभी यहाँ कुछ ही देर में चॉपर आने वाला है, तुम मेरे साथ दिल्ली चल रही हो, ओके? ये उसने उससे पूछा नहीं था, बल्कि उसे बताया था, जिसकी समझ अंतरा को उसकी बातों से ही हो गई थी। और अब उसका मन पूरी तरह चिढ़ गया था। वो खुन्नस में अपनी चाय दानिश के हाथों में पकड़ाते हुए बोली, ठीक है, समझ गई, अब इसे आप ही पीजिए। ये बोलकर वो उसे घूरते हुए वापस अपने टेंट में अपना सामान पैक करने चली गई, क्योंकि उसे पता था वो दानिश के आगे कुछ भी नहीं कर सकती थी। उधर दानिश उसे जाता देखकर उसके चाय के उस हिस्से से चाय को पीने लगा जिस पर अंतरा का लिप ग्लॉस लगा हुआ था। उसके चेहरे पर गहरी स्माइल थी। वहीं शिवम, जो उसी के पास खड़ा था, वो दानिश को देखते हुए बोला, तुम उसे पुरानी बातें क्यों नहीं बताते जिससे कि वो तुमसे ऐसे चिढ़ने या गुस्से होने की बजाय अच्छे से और प्यार से रहे? दानिश चाय की सिप लेते हुए टेढ़ी स्माइल करके बोला, मुझे ऐसे उसके साथ रहने में अच्छा लगता है, उसका चिढ़ना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, मुझे ये सब पसंद है। इस पर शिवम उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें सच में कुछ भी कहना बेकार है। दानिश एरोगेंट आवाज में बोला, तो फिर मुझसे कहते क्यों? ये कहकर दानिश शिवम के हाथों में उस खाली कप को पकड़ा कर वहां से चला गया और वहीं शिवम उसे लाचारी से घूरता रह गया। वहीं कुछ समय बाद सभी स्टूडेंट्स बस से वापस होटल के लिए निकल गए तो वहीं कुछ ही देर में चॉपर आकर लेक के पास लैंड हुआ। दानिश अंतरा का हाथ पकड़कर उसमें बैठ गया और चॉपर दिल्ली के लिए रवाना हो गया। दूसरी तरफ उज्जैन, एक आलीशान बंगला। एक लड़का अपने आलीशान बंगले में सोफे पर बैठकर किसी से फोन पर बात कर रहा था और वो बोला, डोंट वरी यार, मैं दिल्ली आज ही जाने वाला हूँ।
क्योंकि अब मुझे ऑफिस के साथ साथ कॉलेज का भी सेमेस्टर कंप्लीट करना है। उसकी बात सुनकर उधर से किसी ने कुछ कहा, जिसे सुनकर वो हैंडसम सा लड़का हंसते हुए बोला, क्या यार अथर्व, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? अरे मैं ऑफिस के चक्कर में मास्टर्स नहीं कर पाया यार, बाकी अब वहां की अच्छी यूनिवर्सिटी से एमए करने जा रहा हूँ, और तू मुझे अब टीज करना बंद कर। ये बोलते हुए वो लड़का अपने लैपटॉप को ऑन करके बैठ गया, और फिर उधर से अथर्व ने कुछ कहा, जिसे सुनकर वो लड़का काफी सीरियस हो गया। उसने कुछ देर तक फिर उससे सीरियस बातें की और कुछ देर बाद कॉल कट करके सोच में डूब गया। उस लड़के ने फिर एक गहरी स्माइल करते हुए खुद से कहा, अगर ये सच है तो मैं तुम्हें जल्द ही ढूंढ कर अपना बना लूंगा, बहुत इंतजार किया है तुम्हारा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर चमक और स्माइल थी। वो फिर अपने लैपटॉप में कुछ काम करने लगा। उसके बाद उसने अपने असिस्टेंट से जेट रेडी करने को बोला, और कुछ देर बाद वो अपनी माँ से मिलकर अपनी मंजिल दिल्ली की ओर रवाना हो गया। उस लड़के की फैमिली में सिर्फ उसकी माँ थी। वहीं अंतरा पैलेस पहुँचते पहुँचते ही सो चुकी थी। रात के समय उनका चॉपर पैलेस के पीछे वाले ग्राउंड में उतरा। दानिश ने अंतरा को गोद में उठाया और चॉपर से उसे लेकर निकला। दानिश पैलेस के दूसरे दरवाजे से अंदर आया। अंतरा सोते वक्त उससे लिपटी हुई थी, और दानिश उसे लेकर सीधा उसके बेडरूम में गया, और वहां उसे बेड पर लेटा कर उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। दानिश एक टक अंतरा को देखने लगा। उसके दिमाग में क्या चल रहा था उसे पढ़ पाना मुश्किल था। कुछ देर बाद दानिश फिर उसके रूम से बाहर निकलकर सीधे अपने थर्ड फ्लोर पर चला गया। रात ज्यादा थी, जिस वजह से अब तक पैलेस में सब सो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ ध्रुवी अपने अपार्टमेंट में अभी अभी आई थी, और अपने सारे सामान को सेट करके सोफे पर बैठकर अब जाकर वो रेस्ट कर रही थी। उसने अभी पानी की बोतल अपने मुंह से लगाई ही थी कि उसका फोन तेजी से रिंग हुआ। ध्रुवी इतनी रात गए अचानक से फोन बजने पर चौंक सी गई, और उसने कॉल पर शो हो रहे नाम को देखा, जिसे देखकर वो खुद से हैरानी में बोली, ये मिस्टर ध्रुव मुझे इस समय क्यों कॉल कर रहे हैं? ये सब सोचते हुए वो कॉल को पिक करके अपने कान से लगा लेती है, और तभी उधर से ध्रुव की गुस्से भरी आवाज आई, मिस ध्रुवी, मैं आपका कोई पर्सनल सेक्रेटरी नहीं हूँ जो आपको इतने सारे कॉल्स करूँ और आपको ये बताऊँ कि कल सुबह ही मीटिंग है और आपको उसमें जरूर आना है, समझ में आई बात? उसकी बात सुनकर ध्रुवी थोड़ा डर गई, पर फिर खुद को संभालते हुए बोली, आई नो मिस्टर ध्रुव, आपने मुझे कॉल किया था, एक्चुअली मैं अभी अभी ट्रैवल करके आई थी, जिस वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया, आई एम सो सॉरी, आपको मेरी वजह से ऐसे इतनी रात तक जगना पड़ गया। उसकी बात सुनकर उधर ध्रुव, जो अपने लैपटॉप में इस समय उसी की ही प्रोफाइल को चेक करके उसकी फोटोज देख रहा था, वो फिर नॉर्मल होकर बोला, ओके नो प्रॉब्लम, पर आगे से आप ध्यान रखना, क्योंकि आपको शायद नहीं पता इस समय मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम में बिजी था, पर आपकी वजह से। ध्रुवी उसकी बातों को जल्दी से बीच में काटते हुए माफी भरे लहजे से बोली, नो नो मैं समझ गई, इसलिए अगेन सॉरी, आप अपना काम करिए एंड थैंक यू, गुड नाइट। जिसे सुनकर ध्रुव मन ही मन हंसते हुए फिर कॉल कट कर देता है। वहीं ध्रुवी को सच में थोड़ा बुरा लग रहा था, जिस वजह से वो फिर सीधे अपने रूम में जाकर चुपचाप सो गई। वहीं ध्रुव उसकी फोटोज को देखकर और भी ज्यादा उससे अट्रैक्ट हो रहा था, और वो काफी देर तक ध्रुवी के बारे में ही काफी सारी चीजों का पता लगाता रहा, जैसे कि ध्रुवी सिंगल थी या उसका कहीं कोई अफेयर था। पर ध्रुव खुश था कि ध्रुवी का ऐसा कुछ नहीं था और वो सिंगल थी। यही सब सोचकर ध्रुव को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना खुश क्यों हो रहा था, पर फिर उसने अपना लैपटॉप बंद किया और खुद भी सो गया। अगली सुबह के 8 बजे अंतरा की नींद खुली, और वो उठकर बैठते हुए आसपास देखने लगी तो उसे वो अपना कमरा लगा, जिसे देखकर उसे कल की सारी बातें याद आ गईं। फिर उसने उबासी लेते हुए टाइम देखा, और टाइम देखकर वो चौंकते हुए खुद से बोली, मैं इतना ज्यादा कब से सोने लगी, जब से यहाँ आई हूँ मेरा पूरा रूटीन ही बदल गया है। वो फिर बेड से उठकर वॉशरूम चली गई, और कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आई, और उसने एक व्हाइट कलर का कुर्ता पहना जिसके नीचे फिटिंग की ब्लू कलर की जीन्स थी। बालों को क्लच करके बांध रखा था, और अपना हल्का सा टचअप करके नीचे चली गई। वो जब नीचे आई तो उसने देखा कि सब डाइनिंग एरिया में थे। ये देखकर वो पहले मंदिर गई, और पूजा करने के बाद वो भी डाइनिंग हॉल की तरफ चली गई। वहां सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठे थे, पर दानिश वहां नहीं था। वहीं अंतरा जब वहां पहुंची तो सभी उसे देखकर हैरान हो गए। अंतरा चलकर उनके पास आई, और उनकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए अपनी चेयर पर बैठ गई।
तभी अंतरा को महसूस हुआ कि सब उसे ही देख रहे थे और तभी बिपाशा जी बोली, अंतरा बेटा तुम्हारी ट्रिप इतनी जल्दी खत्म हो गई, तुम तो एक हफ्ते बाद आने वाली थी ना। अंतरा को अब इन सब की हैरानी का मतलब समझ आ चुका था, जिस वजह से उसने मन ही मन दानिश को कोसते हुए कहा, ये सही है, खुद तो यहाँ है नहीं और अब मुझे फंसा दिया, अब मैं क्या ही जवाब दूं सबको। तभी उसे कुछ समझ आया और उसने मासूमियत से अपनी नजरें नीचे करके कहा, वो मैं तो और भी रहना चाहती थी पर दानिश ने कहा कि अब मुझे ज्यादा यहाँ घूमने की जरूरत नहीं है और अब मुझे घर चलना चाहिए, इसलिए मैं उनके साथ आ गई। वहीं अंतरा के चेहरे की उदासी देखकर शिशिर जी गुस्से से दानिश के बारे में सोचने लगे। शिशिर जी फिर अंतरा से प्यार से बोले, बेटा उसकी तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं क्योंकि उसकी वजह से तुम घूम नहीं पाई, बाकी मैं उससे बात करूंगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। उनकी बात सुनकर अंतरा को मन ही मन अब जाकर अच्छा लग रहा था क्योंकि अब दानिश को डांट जो पड़ने वाली थी। अंतरा ने फिर भोली सी शक्ल बनाते हुए हाँ में सिर हिला दिया और फिर अपना नाश्ता करने लगी। कुछ देर बाद सभी नाश्ता करके उठ गए और फिर अंतरा बिपाशा जी की कुछ हेल्प करने लगी। वहीं ध्रुव ऑफिस के लिए निकल गया, उधर शिशिर जी सोफे पर बैठकर दानिश के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद दानिश पैलेस के अंदर आया, उसे देखकर लग रहा था कि वो अभी हॉर्स राइडिंग करके आ रहा था क्योंकि वो पसीने से भीगा था और सुबह वो जिम या वर्कआउट करने के बजाय हॉर्स राइडिंग प्रेफर करता था। दानिश अंदर आ रहा था तभी उसे रोकते हुए शिशिर जी बोले, रुको दानिश। उनकी बात सुनकर दानिश के चलते कदम रुक गए और वो मुड़कर उनकी तरफ देखने लगा और अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, हाँ डैड बोलिए। उसकी बात सुनकर शिशिर जी उससे हल्के गुस्से से बोले, ये सब क्या है दानिश, तुम ऐसे कैसे उस बच्चे के साथ कर सकते हो, उसका अभी घूमने का कितना मन था पर तुम उसे जबरदस्ती वापस अपने साथ लेकर आ गए। दानिश ये सुनकर कुछ पल खामोश रहा और फिर बोला, डैड मुझे कुछ ऑफिस वर्क था और दादी ने बोला था कि उसे वहाँ अकेले नहीं छोड़ना, इसलिए मुझे उसे अपने साथ लाना पड़ा। ये सुनकर शिशिर जी फिर चुप हो गए क्योंकि अपनी माँ के आदेश के खिलाफ वो कुछ नहीं कह सकते थे। दानिश फिर बोरियत से बोला, अभी और कुछ कहना है आपको या मैं जाऊँ। उसकी एटीट्यूड भरी बातें सुनकर शिशिर जी दांत पीसते हुए कुछ बोलने को हुए कि तभी बिपाशा जी उनके पास आते हुए बोली, आपको आज डॉक्टर के पास जाना था ना, मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है, आप चलिए अब। अंतरा उनके साथ आई थी और वहीं खड़ी थी, उसने सब सुन लिया था जिस वजह से वो दानिश को इग्नोर करके शिशिर जी से बोली, हाँ चलिए मैं भी आपके साथ जाऊंगी डॉक्टर के पास। दानिश उसकी बात सुनकर सपाट तरीके से मना करते हुए बोला, डैड आप मॉम के साथ जाएंगे और तुम मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, तुम्हें जो स्टडी में प्रॉब्लम हो रही थी वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। उसकी बातों का कुछ और ही मतलब था जिसे अंतरा को समझने में देर नहीं लगी और वो जैसे ही मना करने को हुई दानिश सीधे वहां से थर्ड फ्लोर पर चला गया। वहीं अंतरा अपने पैर पटकते हुए खींचते हुए मन ही मन बोली, अभी तो इन्हें ऑफिस वर्क था, इनके पास तो सांस लेने के लिए भी टाइम नहीं था और अब ये मुझे पढ़ाएंगे, बड़े आए शैतान कहीं के, सब जानती हूँ मैं। वो मन ही मन ये सब बोल रही थी कि तभी बिपाशा जी ने उससे कहा, हाँ बेटा तुम जाओ पढ़ाई करो, मैं इनके साथ चली जाती हूँ, दानिश खुद तुम्हारी पढ़ाई में मदद कर रहा है, ये देखकर हमें खुशी हुई, अब मन लगा कर पढ़ाई करो। अंतरा उनकी बात सुनकर फिर कुछ नहीं कह पाई और बुरा समूह बना लिया, आखिर वो कैसे उस शैतान के साथ अच्छे से रह सकती थी। उसके बाद शिशिर और बिपाशा जी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वहीं अंतरा तुनकते हुए सीधे किचन में गई और दानिश के लिए कॉफी बनाने लगी। कुछ देर बाद जब कॉफी बन गई तो वो कॉफी मग में रखते हुए सीधे थर्ड फ्लोर पर चली गई। हालांकि अंतरा सोच रही थी कि उसके ऐसे कौन से डाउट्स थे जो उसे क्लियर करने थे। यही सब सोचते हुए अंतरा ने दानिश के रूम को नॉक किया तो रूम का गेट अपने आप खुल गया। अंतरा को दानिश के रूम से ही डर लगता था पर वो फिर धीरे से रूम के अंदर आई। उसने रूम में चारों तरफ देखा और बोली, दानिश आपकी कॉफी मैं यहीं रख दे रही हूँ, जब आप आना तो इसे पी लेना। ये बोलकर अंतरा जल्दी से कॉफी कप को वहीं टेबल पर रखकर तुरंत उस कमरे से जाने के लिए पीछे मुड़ी, पर अगले ही पल उसकी कमर पर किसी के ठंडे हाथ आ गए और अंतरा को किसी ने अपनी बाहों में भर लिया और अंतरा की डर से चीख निकल गई, क्या होने वाला है आगे और कहां तक जाने वाला है इनका ये जुनून। जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर। अंतरा किसी के पकड़ने से चीख पड़ी पर कुछ देर बाद उसको समझ आया कि वो कौन था।
क्योंकि अंतरा को अब दानिश के टच की आदत सी पड़ गई थी। अंतरा चुपचाप उसी तरह खड़ी रही और फिर कुछ सोचते हुए बोली, दानिश आपने नीचे झूठ क्यों बोला कि दादी चाहती थी कि मैं आपके साथ आऊं, जबकि दादी ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा था। वहीं दानिश अभी अभी शावर लेकर बाहर आया था, उसके बाल गीले थे। वो अपने ठंडे चेहरे को अंतरा के चेहरे से रब करते हुए बोला, तुमने मेरी शिकायत क्यों की सिली गर्ल? ये बात सुनकर अंतरा झूठ बोलते हुए मासूमियत से बोली, शिकायत? पर शिकायत क्या होती है दानिश? दानिश उसकी ऐसी बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करते हुए कोल्ड आवाज में बोला, क्या कहा तुमने? तुम्हें शिकायत नहीं पता? हाँ, अंतरा जबरदस्ती हंसते हुए बोली, आह वो दानिश, कॉफी पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। ये कहकर वो दानिश की बाहों से छूटने की कोशिश करने लगी। हालांकि अब अंतरा कहीं ना कहीं दानिश को पसंद करने लगी थी और ये बात वो खुद भी समझती थी और उसे अब दानिश की करीबी पसंद आती थी। वहीं दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, तुमने मेरी शिकायत की है जिसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी सिली गर्ल। पनिशमेंट शब्द सुनकर अंतरा का मुंह बन गया और वो खुन्नस में बोली, क्या आप कोई टीचर हो मेरे जो बात बात पर मुझे पनिश करते रहते हो? दानिश ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए ऊपर उठाया। अंतरा अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए दानिश को घूरने लगी और दानिश उसके चेहरे पर किस करने लगा। अंतरा की पकड़ दानिश के हाथों पर कस गई और दानिश उसके चेहरे को चूमने के बाद उसके होंठों पर किस करके उससे अलग हो गया। अंतरा का चेहरा पूरा लाल पड़ गया। वो अपनी बड़ी बड़ी पलकें बार बार झपका रही थी। उसके सामने खड़ा शैतान अब तक उसे 100 बार किस कर चुका था, वो भी बिना उसकी मर्जी के। अंतरा ने 1000 बार दानिश को मन ही मन गालियां दी और चिढ़ते हुए दानिश को घूरने लगी, जिसके चेहरे पर इस वक्त शैतानियत थी। दूसरी तरफ ग्रोवर हाउस, वो लड़का जो उज्जैन से दिल्ली के लिए आया था, उसका नाम रियान ग्रोवर था, जो कि फेमस बिजनेसमैन था और दिल्ली आने का मकसद उसका सिर्फ अपने बचपन की दोस्त को ढूंढना था। इस वक्त वो अपने विला के सोफे पर बैठा लैपटॉप में कुछ कर रहा था और काम करने के बाद रियान ने मन ही मन कहा, अब बस बहुत जल्द तुम मेरे सामने होगी और फिर मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ये बोलते समय उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। दूसरी तरफ अंतरा ने देखा कि दानिश अभी भी उसके होंठों को घूर रहा था। ये देखकर अंतरा तुरंत वहां से भागने की कोशिश करने लगी, पर अगले ही पल दानिश ने उसे दीवार से सटा दिया। अंतरा का दिल किसी रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होने लगा और वो हड़बड़ाते हुए दानिश को देखने लगी। दानिश उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसके कांपते होंठों को देखकर सिडक्टिव आवाज में बोला, पता नहीं क्यों पर तुम्हारे होंठों की आदत हो गई है मुझे सिली गर्ल। इतना कहकर दानिश ने एक बार अंतरा के नर्म होंठों को अपने सख्त होंठों से दबा दिया। अंतरा ने कस कर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी पकड़ दानिश के हाथों पर कस गई। दानिश उसे लगातार किस किए जा रहा था। अंतरा को अब अपने होंठों पर दर्द होने लगा। वो स्ट्रगल करते हुए दानिश को खुद से दूर करके बोली, अब और नहीं प्लीज, मुझे सांस नहीं आ रही। ये कहते हुए अंतरा बुरी तरह हांफ रही थी। उसके होंठों पर दानिश के बाइट करने के निशान थे जो काफी ज्यादा टेम्पटिंग लग रहे थे। वहीं दानिश कुछ पल अंतरा को ध्यान से देखता रहा और फिर वो क्लोजेट की तरफ बढ़ते हुए बोला, जाओ जाकर अपने नोट्स लेकर आओ। ये बोलकर दानिश वहां से चेंज करने चला गया। वहीं अंतरा खा जाने वाली नजरों से दानिश को घूर रही थी। उसने गुस्से से खुद के कपड़े ठीक किए और अपना पैर पटकते हुए वहां से बाहर निकल गई। कुछ वक्त बाद स्टडी रूम, अंतरा और दानिश दोनों स्टडी में थे। दानिश इस वक्त चेयर पर लीन होकर बैठा हुआ था और कॉफी का सिप ले रहा था। उसकी गहरी नजरें इस वक्त अंतरा पर थी जो इस समय अपनी पढ़ाई में बिजी थी। अंतरा को जो जो डाउट थे उसने उसे दानिश के आगे रखते हुए कहा, हाँ तो ये वही सारे डाउट्स हैं जिन्हें आपको क्लियर करना था। दानिश ने कॉफी मग को साइड टेबल पर रखा और अंतरा के डाउट्स क्लियर करने लगा। अंतरा नोट्स में ध्यान से देखते हुए समझ रही थी। करीब 3 घंटे के लंबे सेशन के बाद दानिश अपनी चेयर से उठा। अंतरा की तो अब तक हालत बुरी हो चुकी थी। ऐसे दानिश के साथ पढ़ते पढ़ते वो काफी ऊब भी चुकी थी और अब वो अपना सब कुछ समेट रही थी। दानिश उसे घूरते हुए बोला, जो भी आज मैंने समझाया है उसका मैं नेक्स्ट वीक टेस्ट लूंगा। आई होप तुमने आज पूरे मन से पढ़ाई की होगी। ये बात सुनकर अंतरा के हाथ रुक गए और वो जल्दी से दानिश को देखते हुए बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप जो कुछ भी आज मुझे पढ़ाएंगे उसका टेस्ट भी लेंगे? अगर आपने बता दिया होता तो मैं पूरे मन से पढ़ती ना। ये बोलकर वो चुप हो गई और दानिश को देखने लगी, पर तभी उसे एहसास हुआ कि उसने शायद कुछ गलत बोल दिया। वहीं दानिश उसे बुरी तरह घूर रहा था।
अंतरा थोड़ा सा हड़बड़ा गई और वो फिर दानिश से थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी हो गई। दानिश उसे देखकर सख्त आवाज में बोला, I knew it. तुम बस किसी तरह से ये वक्त काट रही थी। तुम्हारा पढ़ाई करने का मन था ही नहीं, पर अब कोई फायदा नहीं। तुम्हें नेक्स्ट वीक टेस्ट देना है और अगर तुम्हारे मार्क्स ठीक नहीं आए तो गेट रेडी फॉर द पनिशमेंट। ये बोलकर दानिश उसे बिना देखे स्टडी रूम से बाहर चला गया। वहीं अंतरा ने दानिश की ये बात सुनकर अपने सर पर बेबसी से हाथ रख लिया और वापस से चेयर पर बैठ गई। उसने फिर गुस्से से दानिश को कोसते हुए वापस से पढ़ाई शुरू कर दी। दानिश बिजनेस के सिलसिले में 3 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन जा चुका था और वहीं उसके बिना अंतरा के ये 3 दिन बहुत सुकून से गुजरे। दानिश के करीब ना होने से वो काफी खुश थी। 3 दिन बाद कल से वापस कॉलेज शुरू होने वाला था। अंतरा ने अपनी सभी अरेंजमेंट कर ली थी। वो कल के लिए काफी एक्साइटेड थी। दूसरी तरफ ध्रुव और ध्रुवी इस समय एक ही कार में थे। वो लोग शायद अपने प्रोजेक्ट की साइट को देखकर साथ ही में वापस लौट रहे थे। इन 3 दिनों में वो दोनों अब तक एक दूसरे से काफी अच्छे से घुल मिल चुके थे। ध्रुवी भी अब ध्रुव से बहुत अट्रैक्ट हो चुकी थी और उसे अब ध्रुव के साथ काम करने में काफी अच्छा लग रहा था और ये प्रोजेक्ट अब उन्हें और भी करीब ला रहा था। तभी ध्रुव कुछ सोचते हुए ध्रुवी से बोला, वैसे मिस ध्रुवी, क्या आप मेरे साथ डिनर पर चलना पसंद करेंगी? ध्रुवी ये बात सुनकर बोली, मिस्टर ध्रुव, आर यू फ्लर्टिंग विद मी? ध्रुव उसकी बात सुनकर सकपका गया और फिर उसने हंसते हुए बात बदल कर कहा, नो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरे घर फैमिली डिनर पर भी आ सकती हैं, अगर अकेले नहीं जाना आपको तो। उसकी बात सुनकर ध्रुवी फिर उससे मजाक करते हुए बोली, रिलैक्स मिस्टर ध्रुव, आई एम जस्ट किडिंग। वैसे मैं काफी टाइम से अपनी फैमिली से दूर यहाँ पर हूँ तो मैं आपकी फैमिली के साथ डिनर करना ज्यादा पसंद करूंगी। ये सुनकर ध्रुव फिर नॉर्मल हुआ और उसकी तरफ देखते हुए बोला, ओके देन, आप कल रात को डिनर हमारे ओबेरॉय पैलेस में करेंगी। ध्रुवी ने भी स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला दिया और फिर कुछ देर बाद ध्रुव ने ध्रुवी को उसके अपार्टमेंट में ड्रॉप किया और खुद पैलेस के लिए निकल गया। अगला दिन, आज अंतरा का कॉलेज था। अंतरा सुबह सुबह आरती करके रेडी हो चुकी थी और फिर सभी के साथ नाश्ता कर रही थी। कुछ समय बाद ध्रुव ने अंतरा को उसके कॉलेज छोड़ा और खुद ऑफिस के लिए चला गया। दानिश अभी तक वापस नहीं आया था। इधर अंतरा कॉलेज के अंदर जाने लगी तो रास्ते में ही श्रेया मिल गई। अंतरा उससे बातें करते हुए अंदर जाने लगी। वो दोनों अभी कॉलेज के अंदर जा ही रहे थे कि बाहर कॉलेज गेट पर उन्हें कुछ शोर सुनाई दिया। अंतरा और श्रेया दोनों ना समझी में उस ओर देखने लगी तो गेट पर एक स्पोर्ट्स कार आकर रुकी थी और उसमें से एक लड़का और उसके साथ एक लड़की जो काफी स्टाइलिश लुक में लग रहे थे, वो दोनों बाहर निकले। लड़की ने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी तो वहीं लड़के ने जीन्स और शर्ट पर ब्लैक कोट पहना था। उसके चेहरे के भाव सीरियस थे पर वो काफी हैंडसम था। लड़की उस लड़के को बाय करते हुए बोली, रियान भाई, अब मेरी फ्रेंड्स आ चुकी हैं, इसलिए मैं अब उनके साथ जा रही हूँ, बाय। वो लड़का जो कोई और नहीं रियान ग्रोवर था, वो अपनी चचेरी बहन की बात सुनकर अपना सर हिलाता है और फिर वो लड़की वहाँ से चली गई। वहीं अंतरा श्रेया को खींचते हुए क्लास में ले जाने लगी और बोली, बस करो श्रेया, कितना ताड़ोगी ऐसे किसी लड़के को। अंतरा, जिसने रियान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, वो श्रेया के साथ क्लास में आई। वहीं रियान ने गौर से उस कॉलेज को देखा। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट थी और वो फिर अपने आगे पीछे घूमती सभी लड़कियों को इग्नोर करके सीधे प्रिंसिपल ऑफिस में चला गया। इधर अंतरा भी अपनी क्लास लेने में बिजी हो जाती है। इसी तरह मॉर्निंग की क्लासेस खत्म हुई और लंच ब्रेक हो गया। अंतरा को लाइब्रेरी में कुछ बुक्स बोरो करनी थी, जिस वजह से वो श्रेया को बोलकर लाइब्रेरी चली गई। कुछ देर बाद अंतरा लाइब्रेरी से अपनी बुक्स को लेकर वापस लौटने लगी और तभी उसका फोन रिंग हुआ। अंतरा ने कॉल में नाम देखा जिसमें शैतान नाम से वीडियो कॉल शो हो रहा था। दानिश के वीडियो कॉल को देखकर पता नहीं क्यों अंतरा का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसके चेहरे पर एक ग्लो आ गया। अंतरा ने फिर खुद को संभालते हुए वीडियो कॉल रिसीव किया और रिसीव करते ही उसे अपने सामने दानिश का हमेशा की तरह हैंडसम मगर एक्सप्रेशनलेस चेहरा दिखा, जिसे देखकर अंतरा का मुंह बन गया और उसने मन ही मन कहा, इस इंसान का चेहरा दर्द नहीं करता क्या, हमेशा एक जैसा मुंह बनाए। ये सोचकर अंतरा दानिश को देखने लगी जो उसे एक टक बड़े ध्यान से देख रहा था। अंतरा चलते हुए धीरे से बोली, आपने कॉल क्यों किया, कुछ काम था क्या मुझसे? उधर दानिश इस वक्त अल्फा इंडस्ट्री के अपने आलीशान केबिन के चेयर पर बैठा था और वो चेयर से अपना सर टिकाकर एक टक अंतरा के हिलते हुए होंठों को देखकर बोला,
मुझे प्यास लगी है सिलीगल। ये सुनकर अंतरा ना समझी में बोली, हाँ तो पानी पी लीजिए दानिश। ये सुनकर दानिश चेयर पर लीन होते हुए बोला, नो सिलीगल, मुझे तुम्हारे होठों की प्यास लगी है। ये सुनकर अंतरा के चलते कदम रुक गए और वो जल्दी से अपने आसपास देखने लगी, जहाँ कुछ स्टूडेंट्स आ जा रहे थे। अंतरा का चेहरा लाल हो गया और वो दानिश की बातों का जवाब देने के लिए थोड़ा साइड होने लगी, क्योंकि दानिश की बातें बेशर्मी भरी थी जिसे आने जाने वाले लोग सुन सकते थे। वहीं अंतरा का ध्यान फोन पर था और साइड के चक्कर में पीछे से आ रहे एक इंसान से टकरा गई और उसके हाथ से फोन और बुक्स छूट कर वहीं जमीन पर गिर गया। तो कौन है रियान ग्रोवर और दानिश क्या करेगा ये सब जानकर अंतरा के साथ क्या होने वाला है, जानने के लिए सुनिए वजह तुम हो सिर्फ पॉकेट एफएम पर।